हाय एवरीवन, सब लोग ऑनलाइन आ गए होंगे। शुरू करते हैं क्लासेस। मोल कंसेप्ट टू स्टार्ट किया था पिछले क्लास में। और पिछले क्लास में जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बता दिया था ये चैप्टर क्लास 11 में, नाम इसका रेडॉक्स रिएक्शन है। क्लास 11 में इस चैप्टर का नाम रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसके बारे में थोड़ा मोड़ा हमने बात कर लिया है। फिर मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, कंटिन्यू जब हम आगे बढ़ रहे थे, मैंने ये भी आपको बोल दिया है ये चैप्टर बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरू में लगेगा मुश्किल है थोड़ा। और जिसका मूल कंसेप्ट अगर अच्छा नहीं होगा, ये एक एक बच्ची क्यों ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा देखने दो। ठीक है, तो शुरू में चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट उसी के लिए है जिसका मूल कंसेप्ट वन क्लियर नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है आपको कि मूल कंसेप्ट वन बहुत साउंड नॉलेज आना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरी बात है कि संडे के दिन आज हमारी एक डाउट क्लास शायद 11th के साथ लगी थी, तो मेरा इसमें दो बातें कहना है। अगर सच में जेन्युइन डाउट है तो क्लासेस लगवाएं, और जेन्युइन डाउट नहीं है तो उनको बोल के 2 घंटे कोई टॉपिक पढ़ाने के लिए बोल दिया जाए। जो टॉपिक आपको लगता है खराब है, हर बच्चे का इंडिविजुअल कोई भी टॉपिक खराब हो सकता है, तो आप उनको बता दीजिए। हमारे पास तो देखो मैसेज आता है ये क्लास लेना है, हम वो क्लास लेते हैं। वहां से जो कमांड आता है हम उसको फॉलो करते हैं। हम सेवक आदमी है, बोल देंगे यहाँ जाके लेना है तो क्लास को हम लेते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हमने पिछले क्लास में बात किया था जरा सा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, जरा वहां जाते हैं एक बार। हमने बोला था क्लासिकल कंसेप्ट, आपको याद होगा हमने बोला था क्लासिकल कंसेप्ट। तो क्लासिकल कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया। फिर हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट को डिस्कस किया, वो आप जानते हैं अच्छे से, उसको हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट को भी हमने डिस्कस किया था, और उसी में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके लिए क्या क्या रूल है, वो थोड़ा हम लोग लिख रहे थे। कुछ बच्चों ने हमें मैसेज किया था ग्रुप में ऐड करने के लिए, आज मैं उनको ऐड कर दूंगा, थोड़ा फोन चार्ज में रखा है, इसके बाद मैं अभी ऐड कर दूंगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं ऐड कुछ बच्चों को कर पाया था, कुछ नहीं कर पाया तो आज कर दूंगा। तो इसके बाद जो है ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने कुछ रूल सीखा था, जैसे हाइड्रोजन के लिए मैंने बताया था पहला रूल है कि हमेशा कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए कर सॉरी फ्लोरिन के लिए हमेशा -1 है, फिक्स है। फ्लोरिन के बाद जैसे मैंने ऑक्सीजन का देखा था, तो 4-5 रूल है ऑक्सीजन के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन कहीं भी -2 में होगा, पेरोक्साइड में -1 होगा, सुपर ऑक्साइड में -0.5 होगा। इसके बाद हमने बताया था आपको सुपर ऑक्साइड के बाद हमने लिखा था वहां पे ओजोनाइड में -1/3 होगा। इसको जरा अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद पास्ट ईयर में क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में यानी जेई और नीट में पूछा हुआ है मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड, इनमें से कौन सा है जो स्टेबल ऑक्साइड है, इनमें से कौन सा है जो स्टेबल पेरोक्साइड है या सुपर ऑक्साइड है। उसके लिए भी हमने शॉर्टकट पिछले क्लास में लिख लिया था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे थोड़ा हमें याद रखना है। ठीक है, कमिंग जरा सा नेक्स्ट रूल थोड़ा सा लिखना है ऑक्सीजन के बाद, जरा जल्दी से आ जाइए सभी बच्चे, जरा ऑक्सीजन तक हमने कर लिया है। उसके जरा लिखना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखना आपको, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन के बारे में सभी बच्चे देखें, हाइड्रोजन एक ऐसा मेंबर है जो डबल कैरेक्टर डबल फेसेस है। सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, डबल करेक्टर डबल फेसेस है। अगर ये हाइड्रोजन, ध्यान से देखना है, अगर ये हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज -1, कितना होगा -1 होगा। फॉर एग्जाम्पल NaH, फॉर एग्जाम्पल क्या बनेगा NaH, क्या होगा MgH2 CaH2 एटसेट्रा। और जब भी मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगा तो जो बनाएगा उसको बोलते हैं हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड, मेटल का हाइड्राइड इसको बोलते हैं। पहला रूल तो ये था। सेम जरा दूसरा रूल देखिए, हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन डबल कैरेक्टर वाला, डबल कैरेक्टर फेसेस, डबल फेसेस आपका फ्रेंड है। जो फ्रेंड आपके आसपास में होंगे, आपके साथ भी दोस्ती, आपके दुश्मनों के साथ भी दोस्ती रखते हैं, उनकी इज्जत इज्जत कुछ होती नहीं है, टाइम पास करते हैं, तो ऐसे वाले केस में ये जो हाइड्राइड बनेगा, ये जो हाइड्राइड होता है इसको बोलते हैं नॉन मेटल का हाइड्राइड, नॉन मेटल का हाइड्राइड इसको बोलते हैं। ऐसे केस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसे केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो हमेशा +1 होगा। जैसे एग्जाम्पल देखना, अगर आप देखना चाहते हो तो NH3 कुछ भी लिख सकते हैं, CH4 एटसेट्रा। ठीक है, बाकी तो हम पढ़ेंगे ही पूरा डिटेल में, तो हमने एक एक दो दो लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, जल्दी से जरा नोट कर लें इसको। इसके बाद हेलोजन के लिए अगला रूल है,
अगला हेलोजन जरा से एक बार देखते हैं। हेलोजन को हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं। हेलोजन के लिए दो रूल है। रूल नंबर वन क्या है, इन केस ऑफ मेटल और लेस ई एन एटम देन माइनस वन। मेटल के साथ लगा होगा तो माइनस वन होगा, लेस ई एन के साथ लगा होगा तो माइनस वन होगा। बट बट जरा प्लीज यहां देखें, थोड़ा यहां देखना है। बट इंटर हेलोजन एक कंपाउंड नाम लिखा होगा, जरा देख लें आप, इंटर हेलोजन, या इसी का बुक्स में नाम है इनर हेलोजन। ये सभी नाम एक ही है, ध्यान से देखना आप। इस पूरे लाइन का मतलब क्या होता है सुन लीजिए आप, इंटर हेलोजन या इनर हेलोजन, इसका मतलब होता है खुद के परिवार से संबंध बनाना। ठीक है, आसान शब्दों में देखें, IF7 देख रहे हैं। इसके बाद ICL3, यहां ध्यान से देखें, ICL3 किसी मेटल के साथ, लेस ईन के साथ ऑलवेज माइनस वन, अपने ही खानदान के साथ बॉन्ड बना ले, इसको इंटर हेलोजन या इनर हेलोजन बोलते हैं। ऐसे केस में एक कंसेप्ट जरा मुझे समझाना है, इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा, इसको समझ लेते हैं। आंसर चाहता तो मैं डायरेक्ट लिखवाता लेकिन याद तो होता नहीं, आप जानते हैं अपने बारे में। तो जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो पीरियोडिक टेबल से हमने उठाया है, डाटा जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब पीरियोडिक टेबल से हमने उठाया है। यहाँ देखें थोड़ा ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में फ्लोरिन के नीचे क्लोरिन होता है, इसके नीचे ब्रोमिन है, इसके नीचे आयोडीन। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है बोर्ड पे थोड़ा देखेंगे, अदरवाइज भूल जाएं। ठीक है, इसका नाम ग्रुप 17 होता है, सभी बच्चे जानते हैं। इसका नाम हेलोजन होता है, सभी बच्चे जानते हैं। डाउन द ग्रुप आते हैं ना सभी बच्चे, जरा देखें तो साइज बढ़ता है, नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, यानी सबसे ज्यादा अगर साइज क्वार्टर है, मेरे से कोई पूछे जरा से यहाँ देखो, साइज क्वार्टर मेरे से कोई पूछेगा तो सबसे ज्यादा आयोडीन फिर कौन होगा, Br कौन होगा, Cl फिर कौन होगा, F। लेकिन जब नीचे से ऊपर जाते हैं ना, जरा देखें आप, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, नीचे से जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। देख लेते हैं जरा से क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा जरा से देखें आप, तो फ्लोरिन। नीचे से ऊपर जाने का मतलब समझ पा रहे हैं ना, फ्लोरिन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, देन लिखेंगे Cl, देन लिखेंगे Br, देन लिखेंगे I। ये सब आप क्या ऐसे कह रहे हैं सर, ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनिक करेक्टर बढ़ता है, आप जानते हैं साइज बढ़ेगा, आयनिक करेक्टर बढ़ता है, ये पीरियोडिक टेबल का बेसिक रूल है। तो नीचे से जब जाएंगे यानी फ्लोरीन या क्लोरीन में साइज किसकी बड़ी होगी, क्लोरीन की होगी। तो फ्लोरीन की साइज तो बड़ी नहीं है लेकिन फ्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव। ये दोनों रूल कैसे पता चला, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है। अगर आपने पढ़ाया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैंने एक वन शॉट वीडियो भी बनाया है पिछले साल 11th 12th के लिए, मैंने वन शॉट वीडियो बनाए थे। वन शॉट का मतलब हो गया एक ही बार में टॉपिक सारे फास्ट करके टॉपिक को पढ़ाया था, जैसे वन शॉट का मतलब हो गया 1-1.5 घंटे में एक चैप्टर मैंने पूरा तेजी से रिकॉल करवाया है। तो पीरियोडिक टेबल भी एक बार वन शॉट वीडियो मैंने बनाया है, अभी तक्षशिला के लिए भी एक बार बनाया है, तो उसको हम लोग रख के लास्ट में देख लेंगे अगर आपका बेसिक पूरा हिला हुआ हुआ तो। तो ऐसे केस में फ्लोरीन चूंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आयोडीन का तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितना होगा, +7 होगा, और फ्लोरीन का कितना होगा, -1 होगा, कितना होगा, -1 होगा। यहाँ पे आयोडीन का कितना होगा, +3 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का जो होगा -1 होगा। आप देख सकते हैं क्लोरीन और आयोडीन में क्लोरीन उधर लिखा हुआ है, क्लोरीन उधर लिखा हुआ है। सभी बच्चों को ये बात अगर नहीं पता है तो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, यहाँ देख लें आप, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा, ध्यान से देख लें, किसी भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो हमेशा लास्ट में आता है। वो हमेशा कहाँ आएगा, लास्ट में, और कैसे आता है, तो आइड लिखा हुआ आएगा, आइड लिखा हुआ आएगा। एग्जाम्पल देखिए सभी बच्चे, इसका नाम है NaCl, एग्जाम्पल देखिए PCl, एग्जाम्पल देखिए ICl3। NaCl का फुल फॉर्म सभी बच्चों को पता है, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन कहाँ आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, और लास्ट में आइड आ रहा है, देख सकते हैं। PCl3 देख लें आप, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, PCl3 का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, आइड आ रहा है लास्ट में, पढ़ के देख लीजिए। ICl3 का नाम सुन लीजिए क्या, आयोडीन ट्राईक्लोराइड, क्या नाम है, आयोडीन ट्राईक्लोराइड। जो भी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो पहले आएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो बाद में आएगा, और लास्ट में आइड लगा हुआ होगा। और आसान शब्दों में आप इसको समझना चाहते हैं तो फन नकल बियर इक्स पहलवान में सभी बच्चे जाके देख लें, पहलवान का पी है और फन नकल, नकल में सीएल लगा हुआ है, उन तो दोनों में मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन है, तो क्लोरीन हमेशा लास्ट में आना चाहिए। जो भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो लास्ट में आएगा और नाम के आगे आइड लगा हुआ। तो हेलोजन के दो इलेक्ट्रोनिक हाइड्रोजन सॉरी हेलोजन के दो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑलवेज -1, बट इन केस ऑफ इंटर हेलोजन डेट इज सेल्फ फैमिली से अगर प्रोडक्ट बनाता है तो ऐसे केस में पता नहीं क्या है, क्योंकि वो वेरिएबल है। क्लोरीन अगर 7 है तो आयोडीन का 7,
और क्लोरीन अगर 3 है या क्लोरीन अगर 3 है जैसे कि इसमें +3 हो। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको समझा दिया। अब जरा रब करता हूँ फिर अगला रूल जरा देखने के बाद, ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जरा से यहाँ देखिए अगला है ग्रुप 1। ग्रुप 1 का नाम होता है एल्कैलीमेटल, सभी बच्चे जानते हैं ग्रुप 1 का नाम होता है एल्कैलीमेटल। तो एल्कैलीमेटल का ऑलवेज +1 होगा, एल्कैलीमेटल का ऑलवेज प्लस होगा। और एल्कैलीमेटल में कौन कौन आता है? लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, सॉरी लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है और सीजियम आता है। सभी बच्चों को पता है कि फ्रेंसियम नहीं आता, आपके पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसके आगे हाइड्रोजन लिखा होगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि डबल कैरेक्टर पर्सन है, हाइड्रोजन डबल कैरेक्टर वाला पर्सन है तो ये नहीं आएगा। और फ्रेंसियम भी नहीं आएगा, बीच के जितने एलिमेंट लिखे हुए हैं ये अल्कली मेटल है। इसके बाद दूसरा है ग्रुप 2 जिसका नाम है एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल नाम है। इसको हम लोग शॉर्ट में आज से AEM बोला करेंगे, AEM, इसको शॉर्ट में अपन लोग AM बोला करेंगे आज से। AEM का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +2 होगा। इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और Be, ये लिखेंगे। सर हो गया? वेट सर, ठीक है, देखिए जरा से एक बार थोड़ा एक दो लाइन आपको समझा दूं, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जो भी लिखूंगा ये रफ है लेकिन थोड़ा बार समझ लें आप। यहाँ देखिए एस ब्लॉक के लिए ये जो एस ब्लॉक लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सॉरी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एफ आर, ये रफ है। आपके टीचर ने पूरा डिटेल में पढ़ाया होगा, आप भी पढ़ गए हैं, बीच बीच में ऐसा कंटेंट सब कुछ भी लगेगा तो मैं लिख दिया करूंगा। ठीक है, आप सभी बच्चों को पता है, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें एक नंबर है जिसका नाम है मैजिक नंबर। इस नंबर को थोड़ा हमें याद रखना है, 288 1832। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा नंबर को हमें याद रखना है, 288 1832। यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है, 1 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा 3, और 3 में 8 ऐड करेंगे कितना होगा 11, 11 में 8 ऐड करेंगे कितना होगा 19, 19 में 18 ऐड करेंगे कितना होगा 37, 37 में फिर से 18 ऐड करेंगे कितना होगा 55, फिर 32 ऐड करेंगे कितना होगा 87। तो इस तरीके से ये मैजिक नंबर से हम एस ब्लॉक एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। ये मैजिक नंबर किसके लिए है? एस ब्लॉक के लिए। एस ब्लॉक का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए किसी एक का ग्रुप का पहला याद करिए, जैसे हाइड्रोजन, तो उसमें 2 ऐड किया तो 3, फिर 8 ऐड किया 11, फिर से 8 ऐड किया 19, 18 ऐड किया 37, 18 ऐड करेंगे 55, 32 ऐड करेंगे 87। पी ब्लॉक को जरा से एक बार देख लेते हैं थोड़ा, फिर मैं वापस टॉपिक पे आ जाऊंगा। कार्बन, सिलिकन, जर्मीनियम, एसन, टीन जिसका नाम है, और लेड इसका नाम। नामों हम याद करने की जरूरत नहीं है, सब पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया गया होगा। पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर है 8 18 18 32, 8 18 18 32, ये मैजिक नंबर पूरा हमें पी ब्लॉक के लिए याद रखना है। फर्स्ट ग्रुप का याद रख लेंगे, जैसे 6 है यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी पी ब्लॉक के लिए फैमिली के लिए बढ़िया है ये। 6 के बाद 8 लिखेंगे यहाँ पे तो ऐड करेंगे कितना होगा 14, 18 ऐड करेंगे कितना होगा 32, फिर 18 ऐड करेंगे कितना होगा 50, फिर 32 ऐड करेंगे कितना होगा 82। आप देख सकते हैं सबका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो ये एटॉमिक नंबर के लिए था, ये सारे टॉपिक आपको सर ने पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पूरा डिटेल में पढ़ाया होगा। ये नंबर कहाँ से आए ये भी पढ़ाया होगा कि ये फैमिली में मेंबर्स कहाँ से आएंगे, सब इतना डिटेल में पढ़ाया होगा तभी आप यहाँ तक आज आ चुके हैं। रफ करता हूँ इधर, ठीक है। इसके बाद जरा देखें थोड़ा सा सल्फर के लिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर को जरा से देखते हैं इसके लिए क्या रूल। सल्फर को हम एस बोलते हैं, सल्फर को हम लोग -2 लेके चलेंगे, सल्फर के लिए -2 लेके चलना है, सल्फर के लिए -2 लेके चलना है, सल्फर के लिए -2 लेके चलेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, 3-4 और बेसिक रूल है, रब करता हूँ इधर। एक रूल है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा आप लिखना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन
और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज के बाद यहाँ देखें सभी बच्चे, दैट इज का एल्काली मेटल, दैट इज जी वन का जो होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा, जीवन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस वन होगा, जीवन मतलब ग्रुप वन, एम का मतलब एल्कली मेटल। फिर दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी जी टू, जी टू का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस टू होगा, प्लस वन प्लस टू लिखा है। इसके बाद आप जानते हैं जी थर्टीन आएगा, जी थर्टीन का नाम है बोरॉन फैमिली, जी थर्टीन का नाम है बोरॉन फैमिली, ये जरा आपको लिखना है बोरॉन फैमिली। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम बात करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर सभी बच्चे देखें बोरॉन फैमिली के तीन चार ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, तो हम इसका प्लस फोर अभी लेके चलेंगे, किसका लेके चलेंगे प्लस थ्री या प्लस फोर लेके चलते हैं, तो प्लस थ्री ले लेते हैं इसका, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस थ्री होगा। इनको एस ब्लॉक बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसको एस ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप 14 जरा से देखें, इसका नाम है कार्बन फैमिली, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर होगा। ग्रुप 13 में हमने ये लिख दिया, ग्रुप 14 में हमने ये लिख दिया, देख लें जरा सा। इसके बाद नाइट्रोजन यानी ग्रुप 15 लिख लेते हैं जरा सा, आ जाओ यहाँ पर स्पेस है, नाइट्रोजन फैमिली, अगर नाइट्रोजन फैमिली को लेकर देखेंगे तो इसका प्लस फाइव होगा। सर कैसे पता चला प्लस फाइव होगा, तो सभी बच्चे यहाँ पे देखें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो वैलेंसी निकालो टू फाइव, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फाइव तो ये लिखा हुआ है, चलो कार्बन का देखो टू और फोर वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थ्री, चलो यहाँ पे बोरॉन का निकालो या एल्यूमिनियम का निकाल लो दोनों के लिए, इसका देखो यहाँ पे टू थ्री, इसका देखो यहाँ पे टू एट थ्री, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थ्री थ्री, तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन में कितने आएंगे थ्री थ्री। आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा आउटर मोस्ट सेल उसे बोलते हैं, जो सबसे बाहर वाला सेल है उसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, तो आउटर मोस्ट सेल के लिए ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। रख करते हैं इधर, वापस यहाँ आ जाए ग्रुप 16, ग्रुप 16 का नाम है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली आपको भी थोड़ा लिखना है, ऑक्सीजन फैमिली में प्लस सिक्स। ग्रुप 17 जिसका नाम है हैलोजन, हैलोजन फैमिली प्लस सेवन, ग्रुप 16 का प्लस सिक्स, ग्रुप 17 का देख सकते हैं आप इस तरीके से लिखा हुआ कितना होगा प्लस सेवन। ठीक है सभी बच्चे जरा कॉपी कर लेंगे इसको, इन सभी को यहां से लेके यहां तक वाले को बोलते हैं पी ब्लॉक, स्मॉल पी लिखते हैं, ध्यान रखना कैपिटल पी नहीं लिखे हैं, स्मॉल पी लिखते हैं। ग्रुप 16 जहां आपने लिखा वहां पे ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ के एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ध्यान रखना आप। और ग्रुप 17 में एक लाइन लिख रहा हूँ, ये भी आपको थोड़ा से ध्यान रखना है, एक्सेप्ट फ्लोरीन, फ्लोरीन की औकात नहीं है कि सेवन ऑक्सीडेशन नंबर सो पाए, सो कर पाए, क्योंकि फ्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आप जानते कितना है माइनस वन है, भी पढ़ा रखा है। और ग्रुप 16 में ऑक्सीजन की औकात नहीं है कि वो प्लस सिक्स सो कर पाए, प्लस सिक्स सर सो क्यों नहीं कर पाता हुआ ये भी रीजन बताइए, इसका रीजन ये है कि इनके पास औकात नहीं है एक्सपेंड ऑक्टेट करने के लिए, ठीक है ऑक्टेट को एक्सपेंड करने के लिए इनके पास कैलिबर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बात ये था, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑक्सीजन के पास अभी तक हमने केवल पांच ही रूल लिखा है, माइनस टू माइनस वन माइनस हाफ माइनस वन बाई थ्री, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं हमने क्या बोला एक बार, तो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद डी ब्लॉक आता है, पीरियोडिक टेबल में तीन ही मेटल है, एस ब्लॉक हमने देखा, पी ब्लॉक में दो मेटल होता है एक एल्युमिनियम और एक गैलियम होता है जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में पूरा मेटल ग्रुप वन में एग्जिस्ट करता है, ग्रुप टू में करता है, जी थर्टीन में एल्युमिनियम और गैलियम। फिर आते हैं डी ब्लॉक के मेटल्स, तो डी ब्लॉक का जरा से देखो, डी ब्लॉक में आपको जो अच्छा लगता है आपको ले लो, मैं आपका फेवरेट एफ ई ले लेता हूँ, एफ ई टू प्लस और एफ ई थ्री प्लस बना, चलो आपका फेवरेट एक और ले लेते हैं सी आर प्लस, यहाँ देखिए सी आर का मतलब क्रोमियम होता है तो जानते हैं, तो मैं सी आर प्लस ले लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, सी आर प्लस हमने अगर ले लिया यहाँ पे, सी आर प्लस सिक्स भी ले सकते हैं। तो सभी बच्चों को देख के पता चल रहा है कि डी ब्लॉक कैन सो वेरिएबल वैलेंसी एज वेल एज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, डी ब्लॉक कैन सो वेरिएबल वैलेंसी, देख लो आप यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर, डी ब्लॉक वेरिएबल वैलेंसी भी शो करेगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करेगा, वेरिएबल वैलेंसी भी शो करेगा और वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करेगा। दो तीन रूल फटाफट थोड़ा और लिख लीजिए, फिर पांच मिनट आपको थोड़ा टाइम दूंगा, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, पर तेजी से रुको, रूल्स को बार 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 पढ़ के जल्दी से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला रूल जरा लिखना है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अगला रूल लिखना है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओएमएस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ओएमएस, ओएमएस मतलब आउटर मोस्ट सेल माइनस एट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल माइनस एट।
लिखना है इसी में एक लाइन आपको थोड़ा सा, दिस रूल इज अप्लीकेबल, दिस रूल इज अप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन मेटल्स, दिस रूल इज अप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन मेटल्स, सभी बच्चे जरा लिख लेंगे, दिस रूल इज अप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स इनको बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, दिस रूल इज अप्लीकेबल ओनली फॉर नॉन मेटल्स, यहाँ देख लीजिए जरा साहब, यहाँ देखेंगे जरा साहब, सभी बच्चों को पता है कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 आता है तो 4 - 8 कितना होगा -4, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 आता है, सभी बच्चे यहाँ देख लो, ऑक्सीजन फ्लोरिन 9, ये देखिए 2 और 6, ये देखिए 2 और 7, तो 7 - 8 कितना होगा -1, आपको ये डाटा याद रखना है, देखिए मैंने जानबूझ के थोड़ा इधर हिंट में लिखा है, ठीक है इधर हिंट में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, दो रूल थोड़ा और हमें लिखना है जरा सा, सम ऑफ ऐसे लिखना है जरा सा, देखिए सम ऑफ को ऐसे लिखते हैं, ठीक है यानी सिग्मा बनाते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं कई बुक्स में, ठीक है आप जैसे मर्जी आए लेकिन ऐसे लिखना, मेरा सजेशन है आप ऐसे लिखना, ये वाला लाइन लिखना, ठीक है मतलब ऐसे बना के जेड टाइप का इस तरीके बना के लिखना, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल लिखा आप लोगों ने, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इक्वल टू जीरो इन कंपाउंड ब्रैकेट में लिखना, ठीक है ब्रैकेट में लिखना इन कंपाउंड, एंड द लास्ट रूल लिखना आपको थोड़ा सा, लास्ट रूल लिखना है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, लास्ट रूल है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑफ ऑल एलिमेंट, ऑफ ऑल एलिमेंट इक्वल टू टोटल चार्ज, इक्वल टू टोटल चार्ज, इक्वल टू टोटल चार्ज, ये कब अप्लाई करेंगे जब पॉलीएटॉमिक आयन होगा, ये कब जब अप्लाई करेंगे जब पॉलीएटॉमिक होगा, 5 मिनट का मैं थोड़ा सा म्यूट कर रहा हूँ, आप 5 मिनट में जल्दी से जितने रूल लिखे हुए हैं इतना बार पढ़ लो याद हो जाए, बीच में किसी ने पूछा तो अच्छा नहीं भी देखो उसको, हिदायत पहले ही दे रहा हूँ, ठीक है इसे बढ़िया से पढ़ लें फिर एक बार मैं रिकॉल कराऊंगा उसको देख लेंगे और फिर टॉपिक आगे चलता रहेगा, तो पता चला हम आगे बढ़ गए, 2 दिन बाद किसी ने पूछा सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से आ गया, तो ऐसे किसी मूड अपसेट हो जाएगा, तो आप देख लो एक बार जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है जी, पढ़ लिया आप लोगों ने सर, 1 मिनट सर, आप ही लोगों से पूछूंगा, ठीक है चलो भव्या बताओ रूल नंबर 1 क्या है, भव्या जी हमारे पास एक भव्या नाम की लड़की ऑनलाइन एक और प्लेटफॉर्म पे पढ़ती हो तो बहुत ही शार्प है, आपको बताऊं 10th की टॉपर थी, यहाँ भी थोड़ा आप जाग जाइए और बताइए रूल नंबर 1 क्या है, एक मिनट जरा सुन लें, इन्होंने बोला फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, फ्री स्टेट का मतलब है किसी के साथ कंबाइन नहीं करेगा, बार बार रूल रिकॉल क्यों कर रहे हैं ताकि याद रहे आगे प्रॉब्लम ना आए, चलिए दूसरा रूल जरा बताना है जी, आदित्य नारायण जल्दी जल्दी बोलो, आदित्य जी
आप हैं हर्ष, हिमांशी। यस सर सर, हाँ, सेकंड रूल क्या लिखा हुआ है? फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। सर फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 ऑलवेज देना है। चलिए जी आदिनाथ, तुम थोड़ा ठीक पढ़ते मुझे लग रहा है। ऑक्सीजन का जरा बताओ, पांच। ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडाइजिंग नंबर है -2, पेरोक्साइड का -1, सुपर ऑक्साइड का -1/2, और अगर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कंपाउंड है तो +1 एंड +2, ओजोन एंड आयन का है -1/3। चलो जी कोई बच्चा और दूसरा ले लेते हैं। एक और तरुणा, हाइड्रोजन का बताइए। तरुणा नाम से एक आइडिया जी, सर बोलिए। नहीं पता। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ना है। सर मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, ये जो आप सॉरी बड़े सर। कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना कि नहीं पता, पिछले 13 साल हो गए पढ़ाते हुए, 13 सालों में हर साल ऐसे बच्चे आते हैं। इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान है। आप सोच के देखिए मुझे आप क्या देते हैं, कुछ नहीं। इसलिए आप थोड़ा पढ़िए, जहाँ ट्रबल आएगा मैं आपके साथ हूँ, ऐसा बार बार मैं बोलता रहता हूँ। वाणी, हाइड्रोजन के लिए जरा जल्दी से बताओ। यस सर, हाइड्रोजन प्लस अगर मेटल के साथ रिएक्ट करे तो ऑक्सीडेशन नंबर -1, और नॉन मेटल के साथ करे तो प्लस। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, हेलोजन किसी लिए बताएगा? कोई तनिष्का नाम है इनका कुछ शायद। हैलोजन में अगर मेटल है, मेटल से रिएक्ट कर रहा है या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से रिएक्ट कर रहा है तो -1 होगा, और इंटर हैलोजन का वेरिएबल हो सकता है। ठीक है। नमन, नमन, कुणाल। ध्यान आ यस गई? सर, हाँ जी कुणाल, बताइए जरा सा, एल्केली मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? सर प्रियांशु, मैं प्रियांशु, बताऊं? ये इसी क्लास के हैं, आते जाते रह रहे हैं। चलिए दूसरा है कोई। अंश, दीपांशु। सर अल्कलाइन मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहता है और अल्कलाइन अर्थ का +1 भी रहता बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सागर, है। यस सर, हाँ बताइए, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लेते हैं, बताइए कुछ। किसी सर भी एलिमेंट का मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बताइए। हाँ सर मैक्सिमम में जो एलिमेंट है उसके लास्ट वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और उसका मिनिमम जो होता है वो भी आउटर मोस्ट सेल का होता है। नहीं, मिनिमम का गलत है, मिनिमम का बताओ जी आदिनाथ। हाँ सर आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उससे -8। उसमें से हाँ माइनस एट सर, कर लेंगे, ठीक है कर लेंगे। और सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन अ होल कंपाउंड इज इक्वल टू 0 लेना है, एंड इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन वी कैन कंसिडर टोटल नंबर ऑफ चार्ज। देखते हैं जरा सा और, धीरे धीरे में क्लियर होगा। क्वेश्चन लिखना है थोड़ा सा आपको, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। क्वेश्चन नंबर है, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। बोर्ड पे जरा सब लोग ध्यान से देखेंगे अब। डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, यहाँ देखें पहला, ठीक है। हम आज की क्लास में करीबन 25 से 30 एग्जांपल करेंगे, ठीक है, 25 to 30। मुझे लगेगा थोड़ा और इजी पढ़ाना चाहिए, और इजी तो थोड़ा और इजी आ जाऊंगा। मुझे लगेगा डिफिकल्ट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो थोड़ा और डिफिकल्ट पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। मुझे पता नहीं है आपका क्या लेवल है, तो हम थोड़ा शुरू में इजी लेके चलेंगे, फिर आपको लगेगा कि थोड़ा सा ठीक ठाक कर रहे हैं, पर आप कर पा रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट चलेंगे। फिर डिफिकल्ट एक बार जब स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट तैयारी करेंगे, शायद इतना जितना एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। तो जरा देखें KMnO4, सभी बच्चे, हमें सबसे पहले उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहिए, सुन लें आप, जिसके नीचे अंडरलाइन होगा, अंडरलाइन इसके नीचे है। अगर किसी सब्सटेंस में अंडरलाइन लिखा हुआ नहीं है, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, मैं एक बार बताऊंगा लेकिन अभी आप देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है K2Cl2O7,
मुझे इसमें पता नहीं किसका निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उस एलिमेंट का निकालूंगा जो रूल में फिट ना हो, इस पूरे रूल्स में जो आपके रूल में लिखे हुए हैं फिट ना हो। कौन उसमें फिट नहीं है? के तो फिट है, के कौन है? अल्काली मेटल है। के का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? प्लस वन होता है। जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया, बार बार पीछे से कॉपी खोल खोल के देखना है, ठीक है? तब तक देखना है कि एक एक डाटा याद हो जाए। पास्ट ईयर जेई एडवांस में और पास्ट ईयर नीट में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बार बार डाटा को देखते रहेंगे। अब K2Cl2O7 में सभी बच्चे देख लें, इसका निकालना होगा, तो के बारे में डाटा गिवेन है, क्योंकि कितना होता है? प्लस वन अल्कली मेटल। ऑक्सीजन का भी डाटा गिवेन है, ऑक्सीजन का डाटा सभी बच्चों को पता कितना है? -2 है। तो सीआर का डाटा इसमें गिवेन नहीं है, इसका मतलब है सीआर का इसमें निकालना है। तो निकालने की पॉलिसी दो है, जिसके नीचे अंडरलाइन हो, या दूसरा कंडीशन ये है जो रूल्स में फिट ना होता हो। तो रूल्स में फिट कौन नहीं होगा? जो आपको रूल्स याद होगा बस। तो K-4 में जरा चलते हैं, तो के बारे में जरा हम निकालेंगे। तो यहाँ देखिए सभी बच्चे, के का प्लस वन चार्ज होगा, तो हमने लिखा प्लस वन। के का प्लस वन होगा और के की वैल्यू कितनी है? वन है, तो हमने लिखा प्लस वन। मैग्नीज का निकालना है, जिसको निकालेंगे उसके लिए एक्स को एज्यूम करेंगे, प्लस फिर से लिखेंगे ऑक्सीजन का -2 होता है। ऑक्सीजन कितना है? -2 है, और कितने ऑक्सीजन है? 4 है, और सबका सम कितना होना चाहिए? 0। थोड़ा पूरी लाइन को दोबारा बोलता हूँ। प्लस वन पोटेशियम का चार्ज है, कैसे आया? अल्कैली मेटल है। मैग्नीज का एक्स लगाना है, ऑक्सीजन का -2 होता है। ऑक्सीजन का सर आपने इतने सारे लिखवाए, लेकिन आपने -2 क्यों लिया? ऑक्सीजन नॉर्मल केस में हमेशा -2 होगा, तो लिखेंगे -2, और कितने ऑक्सीजन है? 4। सर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह नहीं किया, क्योंकि पोटेशियम की वैल्यू 1 है, के का मतलब पोटेशियम होता है, कैलियम उसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, तो 1 ऑलरेडी है, छोड़ देंगे। सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेके चलना है? 0। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस वन प्लस एक्स -8 इक्वल टू 0, और एक्स का डाटा हम लेंगे +7। उम्मीद करता हूँ शायद समझ गए होंगे आप, सर ठीक है? तो हम जरा तीन चार एग्जांपल शुरू में बहुत आसान आसान लिखते हैं। तो चलिए, पहला है K2Cl2O7, ये नोट कर लो, और ये दूसरा निकालना है, ठीक है? गैप दे दे के रखना। दूसरा है K2Cr4, K2Cr4 जल्दी से नोट कर लें इसे, K2Cr4। इसके बाद अगला लिखते हैं Mg2P2O7, Mg2P2O7, Mg2P2O7। एक लिख देते हैं H2SO4, एक लिखते हैं H3PO4, एक लिख देता हूं H3PO3, एक लिख देता हूं यहां पे HNO3। इनको जरा जल्दी से निकालेंगे, आराम से टाइम लीजिए और निकालिए, मैं जरा वेट कर रहा हूं आपको। गलत सही कुछ भी आना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे आसान है और इससे ज्यादा आसान अभी कुछ है नहीं। तो 6 क्वेश्चन है, मतलब 7 क्वेश्चन है, 5-6 मिनट वेट करते हैं। तो अभी मान लेते हैं कि 49 हो रहा है, ठीक है? तो 55 पकड़ लेते हैं, 55 तक तो आप कर ही लेंगे, इससे पहले ही कर सकते हैं आप, जीनियस हैं, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। मैं इंडिविजुअल नाम रख रख के पूछूंगा, ठीक है? तो अपना अपना ट्राई यस करें और रिप्लाई भी देना सीखें कभी जीवन में। आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ेंगे तो सर का कोई नुकसान नहीं करेंगे आप। अपने घर में तो मैं बच्चों से पूछता भी नहीं कि पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? आपसे थोड़ा एक रिलेशन है फाइनेंशियली, इसलिए पूछना पड़ रहा है, वो भी नहीं पूछता। तो थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, बढ़िया से पढ़ें और पॉजिटिव ही रिप्लाई दें। नहीं आएगा तो इसका मतलब मैंने बताया है कि मैं बहुत घटिया पढ़ाता हूँ, और आपको आता है इसका मतलब आप अच्छा पढ़ते ही हैं, ये तो मैं एग्री करता हूँ।
सर, बोलिए एक्सक्यूज मी सर, ना, सुन रहा हूँ मैं। सर एच का क्या लेना है हाइड्रोजन का? ये तो आप सोचेंगे ना जी, एच का कितना लेना है ये तो आप सोचिए, रूल्स में लिखा हुआ है, रूल्स को देखिए, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। पहले सर आप लोग मैंने गलत ही क्लास कुछ, अटेंड नहीं की थी। अरे यार अभी तो हाइड्रोजन का तो अभी आगे मैंने जस्ट लिखा, आज की क्लास में लिखा है थोड़ी देर पहले। एच का मतलब हाइड्रोजन है, जिसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि एच के लिए हमेशा या तो +1 होगा या -1 होगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा पहले कि मेटल है कि नॉन मेटल है, उसके बेसिस पे रखना पड़ेगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले आप लोग गलती तो कर ले कहीं, और सब मैं ही बताऊंगा तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। कोई बात नहीं, दूसरा करिए, हाइड्रोजन वाला नहीं जानती तो कोई और करिए। डन सर। तो चला जाए, कर लिया होगा सबने। तो बस 1 मिनट और दे दो। कमिंग क्लासों में थोड़ी सी पॉलिसी हम चेंज कर लेंगे, एक बार थोड़ा मैं अपने इंस्टीट्यूट के जो भी डायरेक्टर है उनसे एक बार बात कर लूंगा। उसके बाद थोड़ी पॉलिसी है कि मैं अभी जहाँ पे पहले जहाँ भी मैंने पढ़ाए हैं या ऑलरेडी प्रेजेंटली मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कई प्लेटफॉर्म है उनसे पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे बच्चों के कैमरे भी ऑन रहते हैं। तो एक बार जरा मैं पूछ लूंगा कि क्या पॉलिसी है इनकी, तो आपके भी जरा कैमरे ऑन रहने से उससे हमें ये पता चलेगा कि सच में कोई यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं। कई बच्चों को मैंने नाम लिए वो पता नहीं कहाँ है इस दुनिया में, यहाँ पे क्लास तो ज्वाइन किया लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो उससे फायदा ये रहेगा, आई कांटेक्ट मेरा बना रहेगा आप पे कि आप सच में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और बाकी चीज़ें एकदम साथ चलती रहेंगी, तो आप देख सर लेना। हो गया। तो चलते हैं एक बार आंसर की ओर, अगर चलें तो भव्या तनेजा के नाम से आईडी है कोई, देखिए आप यस सर। बताइए K2 CI2 से उनका कितना आंसर है। सर 6 आ रहे ऑक्सीडेशन हाँ नंबर। +6, ऐसे नहीं बोलना है, +6 बोलना है। यहाँ देखिए सभी बच्चे थोड़ा एक बार देखें, करते हैं एक करके, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे किया है। तो बीच में थोड़ा एक कंटेंट हटा लेते हैं, ये दो कंटेंट मैं इधर से हटा लेता हूँ, मान के चलूंगा कि आप थोड़ा इनके बारे में जानते हैं, लास्ट में लिख लेंगे इनके लिए, क्यों चिंता करते हैं। आ जाइए सभी बच्चे देखें, इस बार +1 × 2 लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ बोर्ड पे जरा देखें, के का चार्ज +1 है और कितना के है 2 है, इसके लिए लिखूंगा 2x, ऑक्सीजन का -2 × 7 = 0। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 2 + 2x - 14 = 0, तो 2x = 12 हो जाएगा, तो x का डाटा यहाँ से +6 हो जाएगा जो उन्होंने बोला है, और x = +6 है। एक बात, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक मेथड ये है, थोड़ा मेरी बात ध्यान सुनना है, ऑक्सीडेशन नंबर जब भी निकालेंगे तो सही है कि गलत है उसका क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका ये है, जितना केटायन केमिस्ट्री में लेफ्ट हैंड साइड में होगा उतने ही एनायन अपनी मर्जी से राइट हैंड साइड में लिखना है। ध्यान दो फिर से एक बार, केमिस्ट्री में केटायन और एनायन बराबर होगा, अगर इधर में 3 हुआ, 3 एनायन है तो इधर में 3+ करना पड़ेगा, उधर में 4+ है तो इधर में 4- वगैरह लेके ऐसे करना पड़ता है, दोनों को बैलेंस करने के लिए मैं यूज करना चाहिए। मुझे यहाँ पे सभी बच्चे देखें कैसा दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू -8 दिखाई दे रही है। सभी बच्चे देख लें एक बार, दोबारा इस क्वेश्चन में आ जाए फिर बताता हूँ आपको, मुझे ऑक्सीजन की वैल्यू इस क्वेश्चन में -8 दिखाई दिया, कैसे दिखाई दिया, -2 ऑक्सीजन का चार्ज होता है सभी बच्चों को पता है, अब 4 का मल्टीप्लाई किया कितना हुआ -8, -8 होता है, और पोटेशियम का चार्ज कितना होता है +1, कितना चार्ज होता है +1, तो मैग्नीज का आप देख सकते हैं कितना आना चाहिए +7, मैग्नीज का चार्ज सर +7 कैसे आया, टोटल नंबर ऑफ केटायन और एनायन बराबर होने चाहिए, -8 एनायन है, -8 कितना है एनायन है, तो केटायन की वैल्यू भी +8 होना चाहिए था, लेकिन पोटेशियम पे चार्ज कितना है +1, तो कितने केटायन कम है 7 कम है, तुमने लिखा इस तरीके से। यहाँ भी देख लेते हैं जरा, जाओ -2 × 7 कितना हुआ 14, यहाँ देख लीजिए -2 × 7 कितना हुआ 14, और यहाँ पे देखिए कितना है +2, एक पोटेशियम का एक चार्ज होता है, और कितने पोटेशियम इसमें 2, एक पोटेशियम का एक चार्ज है 2 पोटेशियम है, तो 14 वहां पे और 2 इधर है, तो बीच वाले का कितना आना चाहिए 12, बीच का 12 आना चाहिए था, लेकिन सीआर की कितनी वैल्यू है 2, तो 12 / 2 कितना होगा 6 होगा। क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई पहले, यस वो पॉलिसी है, सबसे पहली पॉलिसी है कि ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रूल्स याद करेंगे, जब मैं पढ़ता था मुझे रूल्स याद नहीं हुए, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सारे टीचर बताते हैं कि ये कर लिया ये कर लिया, तो मैंने क्या किया, मैं पढ़ता था देखो बहुत कमजोर स्टूडेंट रहा हूँ अपनी लाइफ में, तो मैं किसी भी चीज को किसी के भरोसे ना छोड़ के एक छोटा सा डायरी रखता था, उस डायरी में सारी बातें मैं नोट कर लेता था, इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता था, मैंने नोट्स कभी लाइफ में नहीं बनाया, इंपॉर्टेंट बात जो लगा मैंने उसको नोट कर लिया, क्लासेस किया अटेंड, बस एक बार देखा और चीजें याद रहती है, मैं दोबारा उसको पढ़ता उड़ता नहीं हूँ कभी, तो मैंने यही चीजें जो इंपॉर्टेंट लगी उसको एक जगह मैंने नोट कर लिया, जैसे रूल्स जितने थे वो सारे रूल्स छोटे 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 लिख लिया, क्लास में जब बनाता था क्वेश्चन सामने रख लेता था, वहां से कॉपी कर लेता था, ठीक है, और 2-4 बार प्रैक्टिस करते करते चीजें याद हो गई,
उसके बाद रूल्स याद करने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर सही है या गलत है उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए दोनों साइड में केटायन एनायन बराबर होने चाहिए। उसको हमने चेक किया और बिल्कुल सच में ऐसा आ रहा है। अब जरा सा दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक था के टू सी आर ओ फोर, उधर चल लेते हैं एक बार, यह रफ कर लेते हैं एक बार, यहाँ देखिए एक बार, एक बार है पहले के टू सी आर ओ फोर। तो अगर हम के टू सी आर ओ फोर के बारे में जरा डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, जरा सब लोग देखें, के टू सी आर ओ फोर था, सॉरी एक सी आर है, तो यहाँ पे प्लस वन इंटू टू, यहाँ ध्यान से देखिए, प्लस एक्स प्लस माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू जीरो, सभी बच्चे देख पा रहे हैं। तो टू प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, कोई बच्चा ये समझ नहीं पा रहा है साइन वाइन, तो उसको भी यहाँ पे देखो, केमिस्ट्री में बड़ा वाला जो साइन रहता है ना उसको लिखते हैं, बड़ा वाला साइन यहाँ लिखेंगे, एट माइनस टू कितना हुआ सिक्स इक्वल टू जीरो, तो सिक्स का डाटा जब उधर जाएगा कितना होगा प्लस सिक्स, इसका डाटा कितना आ गया प्लस सिक्स, ऑफकोर्स प्लस सिक्स आएगा। एम जी पी टू ओ सेवन में जरा आ जाए सभी लोग, एम जी पी टू ओ सेवन को जब हम देखेंगे तो इसका निकाला है मैग्नेशियम का चार्ज प्लस टू होता है, सॉरी एम जी टू, हाँ एम जी टू पी टू ओ सेवन, सॉरी एम जी टू था, सॉरी ये एम जी टू था, एम जी टू पी टू ओ सेवन ये लिखा हुआ। तो मैग्नेशियम का टू इंटू टू ले लेते हैं, चलो आ जाओ, ये देखो टू एक्स माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो टू और ये फोर लिख लेते हैं, फोर प्लस टू एक्स, ये डायरेक्ट लिख लेता हूँ, टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, एक्स का डाटा प्लस फाइव, कैसा आ रहा है? यस सर, यस सर। और किसी भी बेवकूफ बच्चे को नहीं आ रहा है ना, पूछ लेगा इसमें कोई शर्म की बात क्या है यार, मैं भी पढ़ता तो मुझे नहीं आता होगा, हम सीख थोड़ी ना गए, टीचर के साथ लगे, टीचर ने थोड़ी हमारी धुलाई उलाई करी, थोड़ा सुनाया, बेइज्जती करा, आ गया यार, और क्या। आज के अपने बच्चों को थोड़ा सा कुछ बोल दो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, पता नहीं कौन सा ईगो है यार ऐसा। तो इसमें जब भी कहीं लगे कि यार ये वाला क्वेश्चन मेरा आ रहा है, सर ने निकाला ऐसा है, पूछ लेना चाहिए सर ये वाला दोबारा कर दीजिए, मेरा यहाँ प्रॉब्लम, इसको जरा दोबारा बोल दीजिए, इसी काम के लिए हम लोग आते हैं, देख लेंगे। अब एस टू एस फोर जरा सा देखते हैं, इसका प्लस सिक्स आया होगा, यस सर, ठीक है, इसका प्लस फाइव आया होगा, आया है, इसका प्लस फाइव है, जरा देखें एच एन ओ थ्री का प्लस फाइव, HNO3 का प्लस 5 और S3PO3 का कितना है प्लस 3, yes, sir. S3PO4 का प्लस 5 प्लस 5 प्लस 3, इसमें से कोई क्वेश्चन करना है मुझे? No, sir. H2SO4 वाला बता दो, S3PO4 वाला, यहाँ देखिए आ जाइए, H2SO4, ये तो बहुत आसान था लेकिन चलिए देखिए कोई बात नहीं, यहाँ देखिए H2SO4, सभी लोग सभी बच्चे बोर्ड पे जरा देखेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे थोड़ा डिफिकल्ट चलेंगे। सल्फर का निकालना है, अब हम हाइड्रोजन के लिए आके देखेंगे, एक ने पूछा था थोड़ी देर पहले एक लड़की ने कि सर हाइड्रोजन का क्या लेना है, सभी बच्चों को मैंने समझाया कि मेटल के साथ हाइड्रोजन हमेशा माइनस वन और नॉन मेटल के साथ हमेशा प्लस वन, मेटल मैंने अभी चिल्ला चिल्ला के बोला था, दोबारा बोल रहा हूँ, पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल तीन जगह रहता है, अल्काली मेटल दैट इज जी वन, जी वन में देख लीजिए कौन कौन सा एलिमेंट लिखा हुआ है, अभी लिखवाया थोड़ी देर पहले, लास्ट में देखेंगे तो लिखा होगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, भी मेटल होता है, नाम क्या क्या लगा हुआ, अल्काली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्या उनमें सल्फर है? नहीं है। क्या उसमें ऑक्सीजन है? नहीं है। इसके बाद पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ रहता है? एल्यूमिनियम एल है और गैलियम 13 में रहता है, जी 13 में दो मेटल है एल्यूमिनियम और गैलियम, इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में मेटल है लेकिन वो काम के नहीं है, डी ब्लॉक भी मेटल होता है, एफ ब्लॉक भी मेटल होता है, लेकिन सब हमारे काम के नहीं है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे आप जानते हैं हमेशा कितना होगा? प्लस वन होगा। कैसे पता चला सर प्लस वन होगा? क्योंकि सल्फर इज अ नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन ऑफकोर्स नॉन मेटल है, सल्फर का निकालना है तो एक्स लिखेंगे माइनस टू इंटू फोर इक्वल टू जीरो, ये लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये लिखेंगे 2 प्लस एक्स, यहाँ पे जरा देखो 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू जीरो, और एक्स का डाटा सभी बच्चे समझ पा रहे हैं प्लस 6 हो, ठीक है सर? हाँ बोलती रही, सुन रहा हूँ सर, ये डेसिमल में तो नहीं आ सकता ना कभी? आएगा आएगा, हाँ आपको पिछले क्लास में हमने दो तीन बातें बोला था, मेरी बातें शायद लग रहा है आप सुन नहीं पाते, मैंने बोला था कि वैलेंसी जो होता है फिक्स होता है, किसी भी सबस्टांस का वैलेंसी फिक्स होता है और होल नंबर में आता है, जब मैं कोई ऐसी बात बोलूं तो मुझे शौक नहीं लगा इतनी बातें बोलने का, ठीक है, और शर्मा जी वर्मा जी की कहानी सुनाने का शौक नहीं लगा था, तो आप ऐसी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो खुद लिख लिया करें, और मैंने आपसे बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल में भी जा सकता है, अभी जाएगा आज की क्लास में हमें दिख जाएगा। हो गया इधर कोई डाउट? नो सर। चलते हैं आगे थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक में, आ जाइए यहाँ सभी बच्चे जरा सा, मुझे कोई आप में से सागर जरा तुम बताओ ग्रुप 15 का क्या नाम है? सर बोरोन फैमिली है, ऐसे पढ़ेगा? ग्रुप 15 का क्या नाम है? नाइट्रोजन फैमिली। हाँ नाइट्रोजन फैमिली, बिल्कुल सही बताया आपने, जरा देखिए ग्रुप 15 का नाम नाइट्रोजन है, जरा एक बार सभी बच्चे देखें ग्रुप 15 का, मैं ऐसे लिख देता हूँ नाइट्रोजन, आप मान के चलना ऐसा लिखा हुआ,
केमिस्ट्री में जरा सभी बच्चे देखें, अस का मतलब होता है लोअर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे देखें, अस का मतलब होता है लोअर और केमिस्ट्री में इक का मतलब होता है हाइयर, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। तो यहाँ जरा देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ग्रुप 15 का, इधर करके लिख रहा हूँ, ग्रुप 15 का जिसका नाम नाइट्रोजन फैमिली है, ये कहाँ पे लिखा होगा, पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा, केमिकल बॉन्डिंग में लिखा होगा, दोबारा मैंने यहाँ पढ़ाया है, ग्रुप 15 में जब भी कहीं अस लिखा हुआ आएगा तो आज से ध्यान रखना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा और एक का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +5 होगा। ग्रुप 15 का अस जब भी कहीं लिखा होगा, शॉर्टकट थोड़ा हम देखेंगे और मैं दो दो एग्जांपल सबका समझाऊंगा। ग्रुप 15 में अस ऑलवेज +3 एंड एक ऑलवेज +5, फॉर एग्जाम्पल HNO3, सभी बच्चे देखेंगे एग्जाम्पल HNO3, HNO3 का नाम जो होता है नाइट्रिक एसिड होता है, नाम होता है नाइट्रिक एसिड। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि इसका ऑलवेज +5 आना चाहिए, आप देख सकते हैं +5 आना चाहिए, क्यों +5, लास्ट में एक आया हुआ पढ़ के पता चल रहा है, एक चेक कर लेते हैं निकाल के एक बार क्रॉस वेरीफाई, हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का एक्स लेना है, ऑक्सीजन का -2 × 3 = 0 लेना है, तो एक्स का डाटा सभी बच्चे देख लें +5 आया, समझ आया? ठीक है, यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल है H3PO4, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इधर नाम लिख रहा हूं, इस सब्सटेंस का नाम है फॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक एसिड, नाम के आगे एक लगा हुआ आ रहा है, नाम के आगे कौन आ रहा है, एक आ रहा है, और नाइट्रोजन फैमिली में फॉस्फोरस उसके नीचे आता है, किसके नीचे, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, उसके नीचे आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमनी, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ NP, ये रफ लिखना नहीं है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस AS SB और BI, इसका नाम एंटीमनी, इसका नाम बिस्मिथ, इसका नाम आर्सेनिक, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, तो फॉस्फोरस इस तरीके से लिखा हुआ है, फॉस्फोरस इसी की फैमिली का हिस्सा है, तो एक आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आना चाहिए, +5, हम निकाल के देख लीजिए ऑलवेज +5 आएगा, क्लियर हो गया? यस सर। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि बार हम सब पढ़ेंगे और फिर फाइनल कंक्लूजन एक जगह लिख लिया करेंगे, क्योंकि हम इतने बड़े तो बेवकूफ नहीं बनेंगे एग्जामिनेशन में जाके, और आप में से कोई जनरल होगा तो मर जाएगा, इसलिए मुझे मेरा रिक्वेस्ट है आपसे बढ़िया से पढ़ लें और अपना इज्जत बचा के रखें, तो यहाँ पे ऑलवेज +5 होगा। दूसरा जरा शॉर्टकट की ओर चलते हैं आगे, वापस इसको रफ कर रहा हूँ, दूसरे जरा सा देखिए, थोड़ा सा ग्रुप 17 आ जाइए, ग्रुप 17 किसको बोलते हैं, कोई बच्चा बताए आपकी क्लास में, ग्रुप 17 किसको बोलते हैं, हाँ हैलोजन को, हैलोजन का सिंबल जरा एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, हैलोजन का सिंबल होता है एक्स, सभी बच्चे देखें एक्स को बोलते हैं, और एक्स इक्वल टू सभी बच्चे जानते हैं आपकी क्लास में FClBri होता है, FClBri होता है, हैलोजन में जब भी अस आएगा तो ध्यान रखना है ऑलवेज +3 लेंगे और इक आएगा तो ऑलवेज +5 होगा, ग्रुप 15 की तरीके से बिल्कुल सेम होता है, ग्रुप 15 के तरीके से बिल्कुल ये सेम होगा, ध्यान रखना है। इसी के तरीके से ग्रुप 16 के बारे में जरा सा आ जाइए, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली का जब भी कहीं अस आएगा तो ध्यान रखना है +4 होगा और जब भी कहीं इक आएगा तो इक के लिए ऑलवेज +6 होगा, सभी बच्चे जरा देख लें इक के लिए ऑलवेज +6 होगा। एग्जाम्पल है H2SO4, H2SO4 का नाम पढ़ के पता चल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड है, सभी बच्चे जानते हैं क्या नाम है, सल्फ्यूरिक, नाम को बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, क्या लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था आपने +1 × 2 + x + −2 × 4 = 0, सर ये कहां से आया, हाइड्रोजन का +1 लेना है, दो बार हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है, दो बार हाइड्रोजन देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी बार हाइड्रोजन है, दो बार हाइड्रोजन, एक्स लेना है हमें सल्फर के लिए, ऑक्सीजन का -2 × 4, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 + x - 8 = 0, एक्स का डाटा +6 आ रहा है, सभी बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक में ही आ रहा है। क्रॉस वेरीफाई के लिए एक और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे H2SO3, इसका नाम है सल्फ्यूरस, इसका नाम है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस एसिड, अब आप समझ गए होंगे अस लिखा हुआ है तो +4 होना चाहिए, अरे ठीक है, यस सर, यस सर, एक बार जरा कोई बच्चा बताया यहां तक कोई डाउट है तो अगर बोलता हूं नहीं तो फिर आगे और मुश्किल पढ़ाऊंगा, चले आगे, यस सर। देखिए थोड़ा सा और डिफिकल्ट एग्जांपल्स ये रफ करता हूं, मुझे तीन बातें समझाना था, 15-17 के लिए रूल सेम है, अस +3 = +5, 16 में अस +4 = +6, रफ करता हूँ आगे देखिए आप सभी बच्चे जरा, एक और थोड़ा कंसेप्ट बॉन्डिंग का भी बोल देता हूँ, शायद मेरे को भी याद आ चला, याद आया
बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड, सभी बच्चे देख लें, ऑक्सी एसिड हमेशा sp2 होगा। अब ऑक्सी एसिड क्या है ये सब नहीं पूछेंगे, टाइम आएगा तो देखेंगे, वो बॉन्डिंग में टीचर ने पढ़ाया हुआ पूरा डिटेल में, मगर अब यहाँ का टॉपिक नहीं है, आएगा तो देखेंगे। इसी तरीके से सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन का कहीं भी ऑक्सी एसिड बनेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। आप कुछ भी कर लो, एग्जाम्पल देख लो, यहाँ H2SO4 एग्जाम्पल है, सभी बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम है H2SO4। H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे, सिग्मा 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 और सिग्मा, पाई को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते, एक पाई यहाँ है और एक पाई यहाँ है, पाई को कंसीडर नहीं करते हैं, तो इस कंपाउंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, चार सिग्मा है, जीरो लोन पेयर है, तो फोर आएगा, फोर के लिए sp3, फोर के लिए क्या होगा sp3। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि बना बना के क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कुछ कुछ क्वेश्चनों में शॉर्टकट थोड़ा अप्लाई कर लेंगे। तो सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन का ऑलवेज sp3, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड ऑलवेज sp2। ऑक्सी एसिड क्या होता है, ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब भी वाटर में डालेंगे तो जो सब्सटेंस बनता है उसका नाम है ऑक्सी एसिड। H2SO4 कैसे बनता है तो सभी बच्चे को पता है, SO3। SO3 कैसा है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, यहाँ देख लो अच्छे से, इसको वाटर में हमने डाला, इसको हम वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने पे बनता है ऑक्सी एसिड। आप यहाँ पे देख लो, इसको वाटर में डालने पे H2SO4 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO4, H2O ये लिखा हुआ है, क्या बना, H2SO4। इसके बाद जरा दो कॉन्सेप्ट थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, इसको भी जरा देखो आप, अगर किसी बच्चे ने अस में से हाइड्रोजन को बाहर किया, किसी बच्चे ने अगर अस में से हाइड्रोजन को बाहर किया, अस क्या होता है आप जानते हैं, नाम का सफिक्स है, अस में से बाहर किया तो आइड बनता है, आइट, और इक में से किसी ने हाइड्रोजन को बाहर किया तो एट बनता है, क्या बनता है, एट, यहाँ पे जरा दोबारा देख लें, एट बनता है। इसमें से H2SO4 में से किसी बच्चे ने जबरदस्ती, यहाँ देख लें H2SO4 यहाँ पे लिखा हुआ है समझने के लिए एग्जाम्पल, H2SO4 में से किसी बच्चे ने 2H+ बाहर कर दिया तो बना SO4 2-, इसका नाम सभी बच्चों को पता है क्या होता है, सल्फेट, एट आ रहा है लास्ट में, देख लो आप क्या आ रहा है, एट सल्फेट। इसका नाम अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, इसके नाम में ई का रहा है, किसी भी सब्सटेंस में ई का आया तो उसके लास्ट में जो हाइड्रोजन है उसको हटा लें, कितने हाइड्रोजन तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, पता नहीं है, अलग अलग क्वेश्चन बार बार आएगा, तो बाहर करेंगे एट बनेगा, और अस में से बाहर करेंगे तो आइट बनेगा, क्या इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस, थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर में आगे देखते हैं एक बार पूरा डिटेल में, थोड़ा आइडिया आ जाएगा, और रफ करता हूँ इधर, ये सारे डाटा आपने कॉपी कर लिया, देखिए जरा सकला एग्जांपल, मेडिकल के जरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी बच्चे देखिए यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है H2SO5, ये पास्ट ईयर मेडिकल का क्वेश्चन है, H2SO5 सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, सभी बच्चे जरा इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जल्दी से सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है, यहाँ पे जरा देखिए आप सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एक बार, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो सभी बच्चों ने निकाला होगा +1 × 2, यहाँ आ जाओ, हाँ देखिए +1 × 2 + x, बोर्ड पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, धीरे धीरे मैं करीबन बहुत सारे एग्जांपल लिखूंगा डिफिकल्ट, आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कम से कम ऑक्सीडेशन नंबर आज, तो एक्स लिखेंगे +-2 × 5 = 0, तो मुझे यहाँ लगेगा x = +8, जैसे ही ये लिखूंगा ध्यान रखना ये गलत है, x = +8 क्या है, गलत है। H2SO5 का स्ट्रक्चर यहाँ बोर्ड पे देखिए सभी बच्चे, थोड़ा स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ पे सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट, ये OH, ये बना OH, तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ऑक्सीजन के बारे में सभी बच्चे जानते हैं -2 ऑक्सीडेशन नंबर, -2 -2, यहाँ जरा देखो जब ये -2 ऑक्सीजन बना हुआ है यहाँ पे, तो इसको -1, इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ यहाँ पे एक बार समझाने के लिए, यहाँ जरा देखो एक बार, ऑक्सीजन का -2 होता है लेकिन पीछे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन पे कितना हुआ +1, तो इसका एक -1 इसके +1 को बैलेंस कर लिया, तो ऑक्सीजन के पास कितना बचा -1, तो बुक्स वाले यहाँ बोलेंगे -1 लिखना है, इसको थोड़ा दोबारा देख लीजिए, इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा, तो हमने लिखा -2,
एक हाइड्रोजन का चार्ज कितना है प्लस वन, तो इसका प्लस वन और इसका एक माइनस वन दोनों बैलेंस हो गया, तो इसके पास कितना बचा माइनस वन, तो हमने लिखा माइनस वन। यहां से यहां तक जब हम ध्यान से देखेंगे तो इस लिंकेज का नाम है पेरोक्सी लिंकेज, इसका नाम है पेरोक्सी लिंकेज। और पेरोक्सी लिंकेज में सभी बच्चे जानते हैं कितना ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन, कितना माइनस वन। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे निकालना है तो जितना एनायन उतने केटायन, तो एनायन की वैल्यू कितनी हो गई माइनस सिक्स, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस सिक्स। दोबारा जरा इस एग्जांपल को देखना है, करीबन हमें छह सात एग्जांपल याद ही रखने हैं, जिसमें से एक एग्जांपल का नाम है H2SO5, आना चाहिए था प्लस एट लेकिन गलत है, क्यों गलत अभी पता चल जाएगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल ये देखो यहाँ पे सल्फर के सराउंडिंग -2 -2, यहाँ -2 लिखना चाहिए था लेकिन इसका माइनस वन और इसका माइनस वन बैलेंस कर लिया, इसके बचा माइनस वन तो लिख दिया हमें। उधर पेरोक्सी लिंकेज है, ऐसे लिंकेज का नाम पेरोक्सी लिंकेज है, आपको याद होगा ऐसे लिंकेज का नाम पेरोक्सी लिंकेज है, क्लास 9-10 में इसको पढ़ के आते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सभी बच्चे जानते हैं लिखने की जरूरत नहीं है, रफ है ये, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है देख सकते हैं आप। तो पेरोक्सी लिंकेज बीच वाले को बोलते हैं, तो पेरोक्सी लिंकेज में कितना होता है ऑक्सीजन का वैल्यू माइनस वन होता है, तो कितना हुआ प्लस सिक्स। इसको इस तरीके से हम ना समझ के इस तरीके से भी देख सकते हैं, यहाँ देखिए इस कंपाउंड का नाम जो H2SO5 है इसका नाम है, यहाँ देख लीजिए पेरोक्सी पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इस कंपाउंड का नाम है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं किसमें इक लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है इक लगा हुआ है, ग्रुप 16 की मैक्सिमम, ग्रुप 16 की प्लस 4 और इक कितना होता है प्लस 6। ग्रुप 16 में अगर हम बात करें तो कौन कौन आता है, ऑक्सीजन सल्फर एसी टीई पीयू, यही ग्रुप 16 के एलिमेंट है, यानी इनमें से किसी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम यानी वो अस लिखा हुआ यहाँ पे, मिनिमम का क्या लिखा हुआ है अस या लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैक्सिमम कितना हो सकता है प्लस 6। अस का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, यानी सल्फर का मिनिमम और भी कम हो सकता है -2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है प्लस 4 और मैक्सिमम में आप कितना लिखा हुआ है प्लस 6, तो प्लस 6 हमने यहाँ पे लिखा है। तो सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर मतलब ग्रुप 16 के खानदान का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 हो सकता है, तो 8 कहीं आ गया तो गलत है, पहली बात आपको ध्यान रखना है। इस कंपाउंड का थोड़ा हमें नाम भी याद रखना है, नाम है पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम जहां पे प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ है वहां पे इसका नाम जो लिखा हुआ है वो नाम थोड़ा हमें याद रखना है, इसका नाम है कैरो एसिड, इसका नाम है कैरो एसिड, पास्ट ईयर मेडिकल का ही क्वेश्चन है, इसका क्या नाम है कैरो एसिड, जल्दी से नोट कर लें एक बार, इसका नाम है कैरो एसिड। ठीक है आगे चलें, यस सर, देखिए एक बार, देखिए यहां अगला एग्जांपल सभी बच्चे, H2S2O8 सल्फर के बारे में जरा बात करेंगे, सल्फर के बारे में जरा देखो इधर बात करते हैं, सल्फर हाइड्रोजन में +1 × 2, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, इनमें से कोई एग्जांपल आपको करना नहीं, आप बस देखें मुझे पढ़ाना है क्योंकि सारे टॉपिक काफी डिफिकल्ट है। +1 × 2 सल्फर के लिए लिखूंगा 2x प्लस -2 × 8 = 0, यहाँ पे देखो 2 + 2x - 16 = 0, तो 2x = 14 और x = +7, इतना आना चाहिए था लेकिन गलत है क्योंकि इस कंपाउंड का नाम जरा से देखें, ये जो कंपाउंड यहाँ पर लिखा हुआ है इस कंपाउंड का नाम है पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, अभी बनाऊंगा आपको क्लियर होगा डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाम सर आपको कैसे पता चल रहा है, मैंने याद रखा है, इसमें भी क्या आ रहा है इक आ रहा है, और सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इक के लिए प्लस 6 होगा, याद रखना है। आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखो यहाँ पे सभी बच्चे, यहाँ देखेंगे ये इसका स्ट्रक्चर है, ये रहा, यहां देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिसाइड करेंगे, -2 -2, आप जानते हैं -2 और -2, हर बच्चे को पता है -2 कैसे आया, ये चारों के लिए -2, यहाँ पे -1 कैसे होगा अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे कितना होगा -1 क्योंकि एक -1 यहाँ का जो था इसके +1 से बैलेंस हो गया, इसको ऐसे लिख देता हूँ तो कोई कंफ्यूजन लेकर आएगा, इसका -1 + 1 से इसके बैलेंस हो गया खत्म हो गया, और पेरोक्सी में क्या होता है -1 - 1 होगा, तो इस ऑक्सीजन के लिए, इसके लिए अगर मैं बात करूं तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं इसके पास 6 माइनस है टोटल, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा,
और इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो इसके पास भी कितना होगा, प्लस सिक्स होगा। यानी सल्फर में, इसमें दो तरीके के सल्फर हैं, इस पूरे कंपाउंड में दो तरीके के सल्फर हैं, और दोनों सल्फर का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर है, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस सिक्स है। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको याद रखना है कि सल्फर यानी ग्रुप 16 का मेंबर है, ग्रुप 16 की मैक्सिमम औकात ऑक्सीडेशन नंबर की कितनी होती है, प्लस सिक्स होती है। 15 की मैक्सिमम औकात कितनी है, प्लस फाइव है, इसका प्लस सिक्स लिख लेंगे। क्लियर हो गया? यस सर, करते हैं आगे। देखिए आगे, अभी 10-15 और एग्जांपल देख रहे हैं तब थोड़ा मोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर क्लियर हो पाएगा आपका बेसिक। रब करते हैं, एग्जामिनेशन में ऐसा पूछा हुआ है, H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2S2O8, इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। हमने सबके बारे में एक एक करके देख लिया, हमने इन सभी एग्जाम्पलों में से एक एक करके देख लिया, किसी में दिक्कत उक्कत नहीं आना चाहिए। इसके बाद जरा देखें, हमने HNO2 को भी कर लिया, हमने HNO3 को भी कर लिया, HNO2 को हमने कर लिया है, HNO3 को कर लिया, हमने H3PO4 को कर लिया, हमने H3PO3 को भी कर लिया। जो लिख रहा हूँ ये कर लिया, मतलब इनके से क्वेश्चन है, प्रीवियस असाइनमेंट को देख लेना थोड़ा एक बार ध्यान से देखें। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अगेन बोल देता हूँ, एक इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइव है, इसका अगेन जल से देखें यहाँ पे प्लस फाइव है, इसका प्लस थ्री है, ये दोनों एक साथ के हैं। यहाँ पे सभी बच्चों को पता है प्लस फोर है, प्लस सिक्स है, प्लस सिक्स है, प्लस सिक्स है। ये ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से आए, मैंने सबको पढ़ाया है, आप में से सभी बच्चे इनका निकालेंगे जल्दी से एक बार। HClO2, ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, जेई एडवांस में 2-3 बार और मेडिकल में सेम क्वेश्चन 2-3 बार, यानी 5-6 बार ये रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, ये 2013 से लेके 2021 के बीच में 5-6 बार रिपीट है, इनको जरा जल्दी से नोट कर लेंगे। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर एक बार डिफाइन करना है, किसका, सीएल का, किसका, सीएल का, जल्दी जरा ड्रॉ करके बताना है आपको, मुझे नहीं पहले एक बार कर लें आप, फिर मुझे जरा जल्दी समझाना। कर लें जल्दी से फिर मुझे बताना। हो गया? यस सर। चलो जी प्रियांशु, ये तो अब ऐसा, मुझे इस पर इतना तेज गुस्सा आ रहा है कि इसका माइक वाइक भी कनेक्ट नहीं है, इस दुनिया में आप हैं, पक्का नहीं होगा ये। सागर सर अभी किया नहीं है। बहुत बढ़िया, प्लस वन इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस सेवन, और थोड़ा करना है, ये तो पता नहीं क्या होगा उसके बाद, भूचाल आ जाएगा अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो। यहाँ देखिए कैसे पता चल रहा है कि ये सब सही होगा, ऐसा गलत होगा। इधर में ध्यान से देखिए, -2 लिखा हुआ है तो टोटल कितना चार्ज हुआ, -4 हो गया, कितना हो गया, -4। हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1, तो -4 में से 1 को लेस कर लेंगे, कितना बचा, 3, तो बीच वाला कितना होगा, +3। -2 × 3 कितना हुआ, -6, एक हाइड्रोजन उसे लेस कर लेंगे, कितना बचा, 5, तो +5। इस तरह मैंने ऑक्सीडेशन नंबर इसका डिफाइन किया है, इस तरह ऑक्सीडेशन नंबर मैंने डिफाइन किया है। थोड़ा इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो प्रीवियस में से पूछा हुआ है, उसको देखते हैं। किसी का सेंट्रल एटम सेम हो जाए, किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंट्रल एटम सेम हो जाए, देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, यहाँ पे सेंट्रल एटम सेम है, तो ऐसे केस में जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी हाई होगी, उसकी एसिडिटी हाई होगी, उसकी एसिडिटी हाई होगी। जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसकी एसिडिटी हाई होगी। एसिडिटी का मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी मतलब होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ।
इसका मतलब हो गया फोर सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, देन थ्री, देन टू, देन वन। पास्ट ईयर में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसको हमने सॉल्व कर दिया, इसको जरा अच्छे से देख लेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा जल्दी। जिस सब्सटेंस का सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर, उस सब्सटेंस का सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, उस सब्सटेंस का सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा इनका। हो गया यस सर। थोड़ा और डिफिकल्ट चलते हैं एग्जांपल, देखिए यहाँ पे और डिफिकल्ट में एग्जांपल है CrO5। क्या जरा देखें, CrO5 बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पास्ट ईयर्स में ये पूछा हुआ है। CrO5 का बच्चा आएगा, सोचेगा एक्स प्लस माइनस टू इंटू फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। एक्स का डाटा यहाँ पे प्लस होगा, यूनिट टेन होगा, गलत है ये। जब मैं लिखूँ ये गलत है ना, आप भी लिखा करें, मुझे शौक नहीं है गलत ऐसे पढ़ाने का, लिखना जरा सबको कॉपी में, क्योंकि जल्दीबाजी में सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रहेंगी। इधर का कंटेंट रफ कर रहा हूँ। CrO5 के बारे में जल्दी से लिख लें, CrO5 का प्लस टेन जो आना चाहिए था लेकिन गलत है। CrO5 का पहले तो फॉर्मूला जरा से देखें कैसे होता है। ये जो CrO5 है इस तरीके से होता है, CrO2 ऐसे एग्जिस्ट करता है, सभी बच्चे जरा सा देख लें कैसे एग्जिस्ट करता है इस तरीके का। तो पहले ये दो हुआ, फिर से टू, देखिए टू टू या फोर और प्लस वन फाइव, इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगा CrO5, ऐसा बनता है कैसे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ध्यान से देखना, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे। CrO4 का नाम, CrO5 का नाम है क्रोमाइल पेरोक्साइड, क्रोमाइल पेरोक्साइड, ये याद नहीं रखना है नाम, तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि कोई मेरे से ना पूछ ले। नाम है क्रोमाइल पेरोक्साइड, हमें ये थोड़ा याद रखना है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बटरफ्लाई जैसा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बटरफ्लाई जैसा। NCERT में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसा ढूंढ के टाइम लॉस नहीं करेंगे। कैसा होगा, बटरफ्लाई जैसा, क्या बटरफ्लाई जैसा बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। क्रोमाइल पेरोक्साइड इस कंपाउंड का नाम है, जल्दी से नोट कर लेंगे, या कई बुक्स में इसका नाम क्रोमियम पेरोक्साइड लिखा हुआ, एक ही बात है, एक ही बात है, लिख लो या जाओ क्रोमियम पेरोक्साइड। क्रोमियम पेरोक्साइड कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ देखिए माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन, कैसे पता चला माइनस वन होगा, सब पेरोक्साइड है, और बीच में कितना होगा माइनस टू। जब भी ऑक्सीजन ऐसे स्टेट में दिखाई दे ना तो उसमें माइनस वन लगाना है, और जब भी ऑक्सीजन ऐसा दिखाई दे तो उसको माइनस टू लेके चलना चाहिए। तो हमने ये देखा इनके जगह पे, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे अब CR के लिए, तो CR में टोटल कितने सिक्स है, माइनस सिक्स है, तो कितना आना चाहिए प्लस सिक्स, तो CR का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स है। इन सभी मॉलिक्यूलों का हर बच्चा कोई समझ पा रहा है, अगर स्ट्रक्चर बनाने की आदत नहीं होगी तो नंबर चले जाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने की आदत नहीं होगी तो नंबर चले जाएंगे, इसको जरा नोट कर लीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, सभी बच्चे थोड़ा देखेंगे। यहाँ देखिए एनआईएन के बारे में जरा बात करते हैं, और डनवन बोल रहे हो, मेरे को तो लग रहा है सब चल रहा है बढ़िया ही, लेकिन आप लोग अपना देख लेना। एनआईएन, एनआईएन बहुत तरीके के हैं, जैसे एनआईएन के बारे में अगर हम बात करें तो फॉस्फेट एक एनायन है, सल्फेट एक एनायन है, सभी बच्चे यहाँ पर देख लें, इसका नाम अजाइड है, इसका नाम अजाइड है, अजाइड भी कैसा है एनायन है, इन सभी को एनायन बोलते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए, इन सभी का नाम है एनायन, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इसी तरीके से और भी एनायन होते हैं, SO3 पे टू निगेटिव, NO2 पे निगेटिव, NO3 पे निगेटिव, X निगेटिव, जो इनका टोटल चार्ज है यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर है। आप में से किसी ने मेरे से पूछा कि सर फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इस पूरे सबस्टांस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इस पूरे सबस्टांस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 होगा, इस पूरे सबस्टांस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -3 होगा, लेकिन किसी ने पूछा कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा तो +5 होगा, फॉस्फोरस का +5 होगा, लेकिन टोटल कितना होगा -3 होगा। टोटल कैसे पता चला सर वो बताइए जरा सा, लास्ट रूल जरा सभी बच्चे देखें, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, लास्ट लाइन आ जाए, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज, और चार्ज कितना है जी,
टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज के लिए लिखा हुआ है इन पोली एटोमिक आयन, यानी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जितना चार्ज लिखा हुआ होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट में, सल्फेट में ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 है, ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, लेकिन किसी बच्चे ने यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर लिखा तो कितना आएगा +6 आएगा, कितना आएगा +6 आएगा। दो बातें एक साथ चल रही हैं, ध्यान से सभी बच्चे देख लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक चल रहा है? यस सर। एक आध से पूछ लेते हैं और, दीपांशु जी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। रफ करते हैं इधर, यहां जरा देखें, अगला एग्जांपल है लेड अजाइड, लेड अजाइड आ जाइए, लेड अजाइड को बोलते हैं PVN3 ट्वाइस। दूसरा जरा सा देखते हैं ASO4, ASO4। थर्ड है BA, BA एक एलिमेंट का नाम है, तुमने लिख दिया BA, और BA से भी थोड़ा हटा के इसको B लिखो पहले, B2SO4 थ्राइस। B2SO4 का थ्राइस, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल दोनों सेम है, ये दोनों एग्जांपल सेम, दोनों में इसका निकालना है, सेम एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल सेम है, जल्दी से नोट डाउन कर लें, एक लिख लेना चाहिए मुझे लगता है, एक बहुत फेमस एग्जांपल ये लिख लेना चाहिए, 4 Li3 Na3 AlF6, Li3 Na3 AlF6, तो ये हो गया 3 का मतलब हो गया चार्ज, 3 का मतलब हो गया चार्ज इतना, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर Al का निकालना है, एल का निकालना, और लिख लेते हैं जरा से 5 NH4 प्राइस फॉस्फेट, ये लिखना जरा जल्दी से NH4 थ्राइस फॉस्फेट, फॉस्फोरस का निकालना है, फॉस्फोरस का निकालना है। आ जाते हैं बात करते हैं इनके बारे में जल्दी जल्दी, और एनसीईआरटी में कौन से एग्जांपल है Na3AlF6 उसका तो आप कर ही लेंगे, और बच्चा लेवल टाइप का CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर ये तो +4 होता है, इस टाइप का तो कर ही लेंगे आप, आसान आसान है, हम लोग ज़्यादा मुश्किल वाले पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आसान वाला तो कर ही लेंगे। जैसे किसी बच्चे ने पूछा मान लो CO2 का क्या हुआ, ये बेवकूफ़ी वाली बात है, सी का एक्स और आप जानते हैं -2 × 2 = 0, सी का हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा +4, तो ये सब एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, ऐसे ही था ये समझाने के लिए बस, इसका कोई खास रोल भी नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर आ जाते हैं एक बार, सभी बच्चे देखिए पीवी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +2, कोई बच्चा बता सकता है मैंने ऐसा क्यों +2 लिखा, कोई बच्चा बता सकता है मैंने +2 डायरेक्ट कैसे लिखा, कोई भी बच्चा इस क्लास का बता सकता है +2 कैसे लिख दिया है, जरा देखें एनायन ऊपर लिखा है एनायन, सभी उच्च जरा चले एनायन में N3 को देखें जरा सा, N3 का नाम वहां पे अजाइड है, N3 का नाम अजाइड है, अजाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा -1, अजाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा वहां पे -1, हाँ -1 कैसे पता चला एक बार जरा सुन ले आप, -1 लिखने का मतलब है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज अजाइड के ऊपर कितना चार्ज है माइनस, तो -1 लिखेंगे, 2 अजाइड लिखा हुआ है, N3 का ट्वाइस लिखा हुआ है, 2 अजाइड मतलब 2 माइनस, और अजाइड के बगल में पीवी लिखा हुआ है तो कितना प्लस होना चाहिए 2 प्लस। इसी तरीके से सल्फेट वाले में आ जाइए, इधर वाले में सभी बच्चों को पता है कितना होता है -2, A का नाम पता ही नहीं क्या है, एक वेरिएबल है तो A की जगह पे कितना आना चाहिए +2, तो A का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। यहां देखें B2 का निकालना है, सभी बच्चे यहां पे देख लें B2 का निकालना है, बहुत आसान है कोई भी कर पाएगा, B2 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सल्फेट पे -2 होता है, सल्फेट पे कितना होता है -2,
सल्फेट पे माइनस टू लिखा हुआ है यहां देखिए, तो माइनस टू इंटू थ्री कितना हुआ, माइनस सिक्स कितना हुआ, माइनस टू इंटू थ्री कितना हुआ, माइनस सिक्स, इसकी कितना होना चाहिए था प्लस सिक्स, अब प्लस सिक्स का मतलब कितना हो गया प्लस थ्री। कैसे पता चला प्लस थ्री, क्योंकि दो का मल्टीप्लाई है इधर, दो का मल्टीप्लाई है तो कितना आ जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा। अरे ठीक चल रहे हैं? यस सर। हाँ देखते रहना बताना, नहीं तो पता चला ये भी हो गया ये भी हो गया, लास्ट में ये क्या हो गया, तो बीच बीच में बताते रहना, नहीं तो मैं और डिफिकल्ट भी करूंगा, पता चला हादसा ना हो जाए। इसका निकालेंगे जी, बोलिए सर एक बार लैड इसका दोबारा बता दो सर जी। जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं अजाइड, और अजाइड का माइनस वन होता है। ये कैसे पता चला सर आपको अजाइड का माइनस वन होगा, हमने जस्ट लिखा है एनायन का टोटल नंबर ऑफ चार्ज, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ पॉली एटॉमिक आयन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ चार्ज। लास्ट रूल लिखा हुआ है जितना चार्ज लिखा होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर इस पूरे कंपाउंड का, पूरे कंपाउंड का मतलब ये, इस पूरे कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस टू है, लेकिन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है प्लस सिक्स है। क्लियर हुआ? यस सर। तो लेड का जो है अजाइड जो है बेसिकली अजाइड का माइनस वन, और माइनस वन होने की वजह से दो बार तो खत्म हो गया उसका लफड़ा, तो माइनस वन दो बार है तो प्लस भी दो बार आना चाहिए। यहाँ देखिए थोड़ा इसको, Li एक अल्कली मेटल है तो प्लस वन इंटू थ्री यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्लस थ्री लिख लेते हैं। सोडियम पे कितना होगा प्लस थ्री होगा। लिथियम अल्कली मेटल है प्लस वन तो तीन बार है तो प्लस थ्री। सोडियम एक अल्कली मेटल प्लस वन कितनी बार, तीन बार तो प्लस थ्री। एफ का जरा सा देखो, एफ का माइनस वन होता है सभी बच्चे जानते हैं, एकदम ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि हमेशा माइनस वन होगा। तो कितना है एफ की टोटल वैल्यू, एफ की टोटल वैल्यू ट्वेल्व है, जरा देख सकते हैं सिक्स इंटू टू कितना है ट्वेल्व है, यहाँ पे माइनस ट्वेल्व हो गया, कितना हो गया माइनस ट्वेल्व हो गया। माइनस ट्वेल्व का मतलब यहाँ पे देखिए सिक्स हो गया, इसको बैलेंस सिक्स ने कर लिया, प्लस सिक्स और चाहिए। प्लस सिक्स अगर किसी बच्चे ने आके यहाँ पे लिखा, मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ देखें आप जरा सा, किसी बच्चे ने यहाँ प्लस सिक्स आके लिखा तो गलत हो जाएगा, प्लस सिक्स तो होना चाहिए लेकिन नीचे दो लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस थ्री। कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस थ्री, प्लस थ्री लिखेंगे तो थ्री इंटू टू तब एल्यूमिनियम होगा प्लस सिक्स। क्लियर हो पाया? यस सर। तो और थोड़े डिफिकल्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं, देखना है जरा सा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थोड़ा सा, ये तो कर लोगे, ये कैसे होगा सर आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं एक बार। सभी बच्चों को पता है कि अमोनिया के ऊपर एक चार्ज होता है तो अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होगा, तो यहाँ पे देखो प्लस वन इंटू थ्री लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एक्स लिखूंगा प्लस माइनस टू इंटू फोर लिखूंगा इक्वल टू जीरो, तो थ्री प्लस एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस फाइव होगा, यहाँ पे प्लस फाइव मैथड नंबर वन। और मैथड नंबर टू जरा सा देखो इसको रफ करने के बाद, यहाँ देखिए मैंने मैथड नंबर टू कैसे देखा इसी क्वेश्चन को, मुझे पता है इसमें फॉस्फेट है, मुझे सभी बच्चों को पता चल रहा है कि इसमें दो सबस्टांस है, एक तो थ्री बार एन एच फोर प्लस है, अब प्लस एक फॉस्फेट है। देखो जरा सा मुझे कैसे पता चल रहा है एक फॉस्फेट है, और मुझे ये भी पता कैसे चला कि सीधा ये आएगा फॉस्फेट, मुझे पता है एस थ्री पी ओ फोर से बना होगा, इसमें से तीन एच प्लस बाहर निकला होगा, मुझे ये भी बात अच्छे से पता है। जरा सा यहाँ देखें, मुझे अच्छे से पता है इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, मुझे इसका नाम पता है फॉस्फोरिक एसिड। और आप जानते हैं एक जो है ग्रुप फिफ्टीन के लिए, ग्रुप फिफ्टीन के लिए एक की वैल्यू जो होती है प्लस फाइव होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है। तो कई मेथड हैं, कैलकुलेट कर करके करो, जान लगाओ या सीधा 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 शॉर्टकट याद रखो, फटाफट आंसर आएगा। हो गया? यस सर। लिखना जरा सा आपको थोड़ा, दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना आपको, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इन पीरियोडिक टेबल इज प्लस एट, इज प्लस एट, इज प्लस एट, इज प्लस एट, ठीक है। एंड इट इज सोन बाई, एंड इट इज सोन बाई एस एच ओ डब्ल्यू एन, एंड इट इज सोन बाई ओ एस आर यू एक्स जी,
OS आर यू एक्सी, एफ ई आर यू और ओ एस एक खानदान में बिलोंग करते हैं, याद करने के लिए शॉर्टकट है फेरस, फेरस लिखा हुआ है, ये दोनों एक खानदान में बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक के एक ही खानदान में बिलोंग करेंगे, जिसका नाम है एफ ई आर यू एस और आर यू एस का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम, इन तीन सबस्टांस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 होगा, इन तीन सबस्टांस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +8 होगा, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर का नाम है +8, कान खोल के अच्छे से सुन लो, जो बस और बस तीन एलिमेंट जिसका नाम है ओएस आरयू और एक्सी शो करेगा। सर आपने यहाँ एफ क्यों लिखा, मैंने इनको याद करने के लिए लिखा, ये तीनों एक फैमिली मेंबर के हैं, ये तीनों एक फैमिली मेंबर के हैं एफ आरयू ओएस। दूसरी बात, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा, ओएस का आरयू का और एक्सी का, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितना होगा +8। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आज से ध्यान रखना है कि +6 ही हो सकता है, सल्फर की औकात नहीं है 6 के ज्यादा क्रॉस कर जाए, क्योंकि हमेशा वो एक बनाएगा, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक, पेरोक्सीडाई सल्फ्यूरिक, इस तरीके से नाम होगा, जहां एक बार पेरोक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड लिखा है वहां पे जरा सभी बच्चे उसके एक और नाम लिख लेंगे, मार्शल एसिड, अभी अचानक मुझे याद आया एक और नाम ये जरा लिख लेंगे, कॉमन नाम है ये पेरोक्सीडाई सल्फ्यूरिक एसिड में, सभी बच्चे इसका एक और नाम लिख लेंगे मार्शल एसिड, हो गया yes, sir. थोड़ा सा और आगे करते हैं, इनको लेके इंपॉर्टेंट याद रखने वाली क्या बात थी, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इन तीनों के अलावा कोई शो नहीं कर सकता है जो ऊपर लिखे हुए हैं, बाकी किसी का +6 से ज्यादा क्रॉस नहीं करेगा, +5 से क्रॉस नहीं कर रहा है नाइट्रोजन का, वगैरह वगैरह आपको ध्यान रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों को मैंने समझा दिया है। अब इनको लेके जरा हम एग्जांपल देखेंगे, सबसे पहला एग्जांपल है Ba2XeO6, आ जाओ यहां, जीनोन का निकालना है पहला एग्जांपल, जो एग्जांपल करा रहा हूं इसके बियॉन्ड कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है, और थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे जेडीली की बुक से लेके। यहां देखिए बेरियम पे +2 होता है, सभी बच्चों को पता है कैसे पता चला +2 होगा, बेरियम एक सब्सटेंस है, एक मेटल है जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, इसका एक्स लिखेंगे -2 × 6, और आप जानते हैं हमेशा लास्ट में क्या लगाना है, जीरो, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 4 + x - 12 = 0, एक्स का डाटा अच्छे से देख लो कितना आया +8, जरा जल्दी से कॉपी कर लें इसको, सर जल्दी से हो गया कॉपी, यस सर, और ये दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एक कर लेना चाहिए मुझे ये वाला क्वेश्चन, H4XeO6 ये लिखना है जरा साहब को, इसमें भी जीनोन का निकालना है +8 आना चाहिए, इसको जरा निकालना है जीनोन का, जरा सभी बच्चे देखें यहाँ पे, दूसरा यहाँ जरा अच्छे से देखो, दूसरा लिख सकते हैं XeO2 और OH का पावर फोर, ठीक है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, दोनों में जीनोन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, दोनों का +8 आएगा, दोनों का हमेशा +8 आना चाहिए ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस इसमें, इनको जरा अच्छे से देख लेना जो काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने जितने ऑक्सीडेशन नंबर करे हैं हम सभी ऑक्सीडेशन नंबरों में कुछ कुछ एक्सेप्शन थे, कुछ कुछ ऐसे ही नॉर्मल था, हमने सब आपको समझा दिया, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के कंसेप्ट में, सर जो एक्सेप्शंस थे वो इसलिए थे कि सुन रहा बोलिए, क्योंकि परऑक्साइड बॉन्ड था, परऑक्साइड बॉन्ड था वहां पर, इसलिए एक्सेप्शंस थे सिर्फ जी, यहां देखिए तो, बोलिए, हाँ सिर्फ जहाँ पे पेरोक्साइड होगा वहां पर ही हमें एक्सेप्शन मिलेगा, मतलब हाँ जी मिलेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा पढ़ते टाइम, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा, और दो तीन बार आएगा क्लास 12 तक, अभी दो तीन बार ये सारे टॉपिक आएंगे। यहाँ देखें जरा सा, कोई बच्चा थोड़ा एक बार ये पहले क्वेश्चन बताए, KO2 यहाँ पे लिखा हुआ है, KO2 लिखा हुआ है ऑक्सीजन का, सॉरी ये K2 वो लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना कितना होगा,
K2O लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जरा जल्दी से बताएंगे इसमें कितना आएगा। KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे कितना होगा। Na2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा ये बताना है। सब पढ़ा दिया है, तुम लोग कुछ करते उड़ते नहीं हो, बैठे हुए बस। मैं करूँ आंसर आ जाए। K2O में तो सर -2 आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे सर आप ही करके, में सर आप करके सब बताइए। तो K का 1 + x = 0, एक्स का डाटा -2, ये रहा, यहाँ जाओ +1 × x -1 + x - 2 × 2, ठीक है तो गलत हो जाएगा। यहाँ देखो जरा सा +1 × x इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका -1/2, लिख दो डायरेक्ट। यहाँ पे देखो जरा सा -1/2 होगा इसका, इसका हो गया -2, इसका हुआ -1/2। सभी बच्चे जरा से देखिए कैसे पता चल रहा है, इतना भी बेवकूफी अगर कर रहे हैं तो आप देखिए, एक के प्लस पे एक ही चार्ज है तो ऑक्सीजन को जरा सा हमें निकालना है तो इसके बराबर माइनस आना चाहिए, तो कितना माइनस आना चाहिए, एक, और नीचे 2 लगा हुआ है इसका मतलब माइनस कितना होगा, -1/2, और कितना होगा -1/2। क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ, और Na2O2 में देखेंगे एक सोडियम पे एक चार्ज होता है तो 2 सोडियम इधर लिखा हुआ है देख लें आप, तो 2 सोडियम का मतलब 2 प्लस, 2 सोडियम का मतलब 2 प्लस, इसका मतलब जो ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा हुआ है उसके ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, 2 माइनस, और 2 माइनस का मतलब सभी बच्चे समझ रहे हैं यहाँ पे -1, और ये -1/2 है, ये कितना है -1/2 है। कॉपी कर लें इनको, अब चलते हैं थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक और शुरू करते हैं जिसका नाम है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जिसको हम लोग थोड़ा बोला करेंगे AON, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। टाइम कितना रह रहा है, अरे यार ये तो हो जाना चाहिए था, कोई बात नहीं करते हैं। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा डिटेल में करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे AON एवरेज का मतलब सभी बच्चों को पता है, क्लास में जैसे इसी क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो करीबन 5 का तो बहुत बढ़िया ग्राफ चलता है, ठीक है तो 5 बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और 2-3 तो एकदम खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा की फैमिली से लग रहा है, खामोश जैसी फीलिंग ले रहे हैं, तो बीच वाले जितने बच गए सबको कैसे हो जाएंगे, एवरेज हो जाएंगे। तो एवरेज मैक्सिमम लोग रहते हैं इस दुनिया में, एवरेज के बारे में बात ज़्यादा करी जाती है तो हम भी एवरेज के बारे में बात करेंगे। तो एवरेज का निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल एटम्स, यहाँ देखिए टोटल एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज, टोटल एटम डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज, ये लिखना आपको जरा सा, टोटल एटम डिवाइडेड, सॉरी थोड़ा हमने अभी अचानक मैंने बोर्ड पे देखा गलत हो गया, यहाँ देखिए बोर्ड पे थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया, ये देखिए टोटल चार्ज बाई टोटल एटम्स, ये लिखना आपको। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का ये फॉर्मूला है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का ये फॉर्मूला जरा नोट करना है जल्दी से, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स, हो गया? यस सर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना अब आपको थोड़ा ये टॉपिक, यहां देखें आप सब लोग, रफ कर रहा हूं इधर अच्छे से देखेंगे ध्यान से। एक कंपाउंड का नाम है FeO, एक कंपाउंड का नाम है FeO, सभी बच्चे बोर्ड पे देखें, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे निकालना हो तो सभी बच्चा समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि सर ऑक्सीजन का -2 होगा तो सर Fe का चार्ज कितना होगा +2, तो इस केस में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ, आज एकदम क्लियर हो गया आपको। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना है, दूसरा क्वेश्चन है Fe2O3, Fe2O3 में सभी बच्चे यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2x, Fe का चार्ज कितना 2x पता नहीं कितना है, और -2 × 3 = 0, तो x इक्वल टू यहाँ पर जरा से देख लो कैसे दिखाई दे रहा है, 6/2 कितना हुआ 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, ऐसे भी 3 आ रहा है, देखो यहाँ पे सभी बच्चे -2 × 3 कितना हुआ -6,
-2 × 3 कितना हुआ, -6। एफई दो बार लिखा हुआ है तो 3 × 2 कितना होगा, 6। यहाँ कितना होगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर, कितना होगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए आपको याद होगा मैंने एक क्लास 11 में कई बार बोला होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा तो किसी टीचर ने बोला होगा कि एफई दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एफई टू प्लस और एफई थ्री प्लस में। एफई को वरदान है दो फॉर्मेट में रहने का, एफई टू प्लस और एफई थ्री प्लस। क्लियर हो गया? यस सर। कुछ ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है देख लेना। हाँ आप देखेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखेंगे वो सब चीज। सभी बच्चे बोर्ड पे आ जाए अच्छे से। अब दो सबस्टांस हमने लिया, एक सबस्टांस का नाम है FeO और एक का नाम है Fe2O3। यहाँ देखो इधर का डाटा पूरा रफ कर लेता हूँ, समझा दिया आपको, ये सब क्लियर एकदम और होना चाहिए, नहीं है तो ये सब पूरा पढ़ा दिया, खत्म हो गया इस पर पढ़ा। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखें एक बार, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। आपको याद होगा लोअर ऑक्सीडेशन नंबर को हम अस पढ़ते हैं, तो बुक्स वाले इसका नाम फेरस मान के चलते हैं, बुक्स वाले इसका नाम रखते हैं फेरस, फेरस ऑक्साइड। अब बुक्स वाले इसका नाम फेरिक रखते हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरस फेरिक। नाम कैसे पता चला? अस का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर और एक का मतलब है हायर ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ही दोनों कंबाइन होंगे तो कंबाइन होने के बाद ही बनाता है Fe3O4 जिसका नाम है फेरोफेरिक ऑक्साइड, जिसका नाम है फेरोफेरिक ऑक्साइड। और सभी बच्चे समझ लें, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है इसको बुक्स में लिखा होगा मिक्स ऑक्साइड है। कैसा है? मिक्स ऑक्साइड है। ये दोनों कैसे हैं? नॉर्मल ऑक्साइड है। ये दोनों कैसे हैं? नॉर्मल ऑक्साइड है। ये भी कैसा है? नॉर्मल ऑक्साइड है। ये लिखेंगे जरा से पहले जल्दी से, दो नॉर्मल ऑक्साइड को हमने मिक्स किया तो वहां पे जो सबस्टांस बना उसका नाम है मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड इसके लिए डिफाइन है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर किसके लिए निकालेंगे? मिक्स ऑक्साइड के लिए। जल्दी जल्दी करो, टाइम एक्सपेंड कर रहा है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसमें भी हमें करना है। डन सर। डन सर। ठीक है देखिए रफ कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले मैंने समझाया कि फेरोफेरिक ऑक्साइड कैसे बनता है, ये भी समझाया यहाँ पे कि फेरस नाम क्यों है, फेरिक नाम क्यों है। अस मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, एक मतलब हायर ऑक्सीडेशन नंबर। फेरोफेरिक क्यों बना? दोनों मिक्स करके बना हुआ है, दोनों को मिक्स करेंगे तो एफी की वैल्यू 3, ऑक्सीजन की वैल्यू 4 हो गया, बिल्कुल सही है। अब हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको रफ करते हैं, दोबारा देखते हैं। यहाँ देखना है सब लोग को, अभी मुझे Fe3O4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, यानी एफी का। दो मेथड है, मेथड वन जो आपको बहुत अच्छा लगेगा लेकिन बहुत ही घटिया मेथड है। मेथड वन आपको इसलिए अच्छा लगेगा क्योंकि आप काम करना चाहते नहीं जीवन में, हमेशा आराम चाहिए, तो मेथड वन आपका फेवरेट है। लेकिन एक बार जरा से करेंगे मेथड वन से, यहाँ देखो जरा से बार सभी बच्चे, मेथड वन में क्या प्रॉब्लम है, कैसे निकालते हैं? तो 3x, यहाँ जरा देखें, देखेंगे 3x प्लस -2 × 4 इक्वल टू 0। सभी बच्चे देख लें, तो यहाँ पे 3x -8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आएगा 8/3। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पहली बार आया, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर पहली बार आ गया। दूसरा मेथड टू जरा देखना है, सभी बच्चों को मेथड टू ही सीखना है। मेथड वन जो है बहुत ही घटिया है लेकिन आपको आंसर बिल्कुल सही आया हुआ है। वो घटिया क्यों है? थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, आज की क्लास में या कमिंग क्लास में पता चलेगा कि मेथड वन को फॉलो नहीं करना है। और मेथड टू को देखें जरा सा, पहली बार जरा फॉर्मूला लिख देता हूँ नहीं तो कोई पूछेगा। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू होता है नीचे में टोटल एटम और ऊपर में टोटल चार्ज। ऊपर में कितना होता है? टोटल चार्ज। और थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी लिख देता हूँ, फिर कोई पूछेगा कहाँ से आया Fe2O3 अब प्लस Fe। सभी बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, ये 2+ है और ये 3+ है, ठीक है। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए टोटल एटम, यहाँ Fe का कितना है? एक एटम है। यहाँ Fe का कितना एटम है? 3 एटम है। हमने लिख दिया Fe का कितना एटम है? 1 और सॉरी ये 2 है, ये कितना है? 2 है, ये 2 लिख दिया। Fe3O4 बनने में Fe के कितने एटम यूज हैं? 1, और कितना एटम है? 2, तो 1+2 = 3 लिखा है, तो ये 3 लिखना है आपको पहले नीचे। और टोटल चार्ज आइए, प्लस 2 वाला जो चार्ज, इसमें Fe कितना है? 1 है, प्लस 2 वाले में Fe कितना है? 1 है,
अब प्लस थ्री वाले में आ जाइए, प्लस थ्री वाले में अति कितना है, दो है, ये देखिए टू प्लस सिक्स बाई थ्री, डेट इज यहाँ पे लिखेंगे प्लस एट बाई थ्री। समझ में आया आपको? यस सर। नोट करना है आपको। और ये कैसे पढ़ते हैं बच्चे क्लास में, स्ट्रेंथ शुरू में आते हैं, अटेंडेंस बनाने के लिए पढ़ते हैं। जय भीम का बैच थोड़ी ना है कि फ्री में पढ़ाया जा रहा है आपको, आपके गार्जियन पैसे देते हैं, बढ़िया से पढ़ा करो तुम लोग। ये आते शुरू में बहुत ज्यादा है, धीरे 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 पता नहीं कहाँ हो जाता है उनका करियर। अब क्वेश्चन ये है कि सर मेथड वन क्यों खराब है, उसके बारे में जरा देखते हैं। मेथड वन सर आपने क्यों फॉलो नहीं किया, बार बार आप मेथड टू क्यों फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मेथड टू बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्वेश्चन में पूछेगा, कैलकुलेट यहां देखेंगे परसेंटेज ऑफ एफ ई टू प्लस इन एफ ई थ्री ओ फोर। परसेंटेज ऑफ एफ ई टू प्लस इन एफ ई थ्री ओ फोर। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जरा बोर्ड पे देखेंगे, बोल रहा है कि एफ ई टू प्लस का परसेंटेज बताइए एफ ई थ्री ओ फोर में, तो वही बच्चा कर पाएगा जिसको ये सारा आइडिया हो, ये वाला तो कर ही नहीं सकता, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आप समझ पा रहे होंगे, तो कैसे परसेंटेज निकालेंगे, एफ ई टू प्लस के वैल्यू कितना है वन, और टोटल आइटम कितना है थ्री, इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा परसेंटेज। दोबारा एक बार बोल देता हूँ, कैसे पता चल रहा है यहाँ पे, यहाँ जरा से देख लीजिए, ये मेथड बिल्कुल अच्छा है लेकिन इसको फॉलो करने से और क्वेश्चन के पार्ट रहेंगे तो नहीं होंगे, लेकिन इस मेथड को फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। तो जैसे इसमें पूछा कि परसेंटेज ऑफ एफ ई टू प्लस बताएं, तो एफ ई टू प्लस की वैल्यू वहाँ कितनी है वन है, यहाँ पे मुझे एफ ई दो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो दो है, यहाँ पे लेकिन वन ही दिखाई दे रहा है टू प्लस वाला, तो वन लिखा, और टोटल एफ ई का आइटम इसमें कितना है थ्री, तो थ्री लिखा इंटू 100, तो करेंगे इस तरीके से इजिली सॉल्व हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 33.33% के आसपास आना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? यस सर। और डिफिकल्ट चलते हैं, करते हैं एक बार, इसको रफ कर रहा हूँ, परसेंटेज वगैरह आपने नोट कर लिया होगा, आ जाइए यहाँ। केमिस्ट्री में एक कंपाउंड का नाम है स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड, स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपके सर ने पढ़ाया होगा, इसको एससी बोलना है, सर बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। दूसरा एक कंपाउंड है नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड, ये सब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सर ने हल्का मुल्का डिस्कस किया होगा, जिसका नाम है एनएससी। मैंने जिस बैच में पढ़ाया उसमें ये सब डिस्कस किया है। यहाँ जरा सभी बच्चे देखें एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं कंपाउंड ऐसा लिखा हुआ मिला एफ ई ओ, कहीं मिला एफ ई टू ओ थ्री, कहीं मिला एफ ई थ्री ओ फोर, कहीं ऐसा मिला एफ ई थ्री ओ फोर, कहीं मिला एन ए सी एल, एम जी ओ, इन सबों को एस सी कंपाउंड बोलते हैं। कौन सा कंपाउंड है, स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। कैसे पता चला, इन सभी का रेशियो होल नंबर है, इन सभी का रेशियो कैसा है, होल नंबर है, लेकिन कहीं ऐसा कंपाउंड मिला एफ ई पॉइंट नाइन थ्री ओ, इसमें रेशियो जब देखेंगे हम ध्यान से तो कैसा है 0.9:1, कैसा है 0.9:1, एफ ई पॉइंट नाइन थ्री ओ, ऐसे वाले कंपाउंड को बोलेंगे नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड उस कंपाउंड को बोलते हैं जिसका रेशियो होल नंबर में ना हो, कंपाउंड इन विच एटम्स आर प्रेजेंट इन नॉट अ होल नंबर, कंपाउंड इन विच एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर, उसको बोलेंगे नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड। दोबारा लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, कंपाउंड इन विच एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन होल नंबर, एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन द होल नंबर और सिंपल रेशियो, और इन सिंपल रेशियो, और इन सिंपल रेशियो, और इन सिंपल रेशियो, और इन सिंपल रेशियो, ये लिखना वहां पर जरा एग्जाम्पल में। इसमें क्या रेशियो है सर, 4.44:1, sorry, 8। इसके बाद है एन आई 0.98 ओ, क्या रेशियो है 0.98:1, ये लिखना आपको। नॉन स्टाइचियोमेट्रिक कंपाउंड ये लिखे हुए हैं, हमें प्रीवियस टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है एफ ई 0.93, जरा ध्यान सुन लें, एफ ई 0.93 में ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इधर थोड़ा रफ कर लेता हूँ क्योंकि आपने लिख लिया होगा, ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन है जेई में एडवांस में,
0.95 ओ में परसेंटेज ऑफ Fe2+, ये क्वेश्चन है, और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe0.93 या 95 का निकालना था, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, ये प्रीवियस का क्वेश्चन है, तो अब हो नहीं पाएगा क्योंकि 5 मिनट बचा हुआ है, 15-20 मिनट का टॉपिक है, तो हो नहीं पाएगा, कमिंग क्लास में इसे कर पाएंगे हम लोग, कमिंग क्लास में करेंगे इसे। एक बार जरा मुझे बता दीजिए क्या मैं यहाँ तक समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? यस सर, यस सर। अगर आपका ये टॉपिक अगर यहाँ तक अच्छा हो जाएगा, सुन लीजिए जरा साहब, टाइम तो हो गया, नहीं तो इसको हम कर देते, इस क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी था, जब ये कर लेंगे तो हम इसको देखेंगे एक बार जरा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब ये हो जाएगा तो इसके बाद और करीबन 4-5 डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर वाले में भी क्वेश्चन करेंगे, एक ही कंपाउंड के पास करीबन 5-6 ऑक्सीजन एक साथ आ जाए तो क्या करना है, उसके बाद उसको देखेंगे, परसेंटेज करेक्टर आ जाएगा तो उसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे, आपके कोर्स में एनसीईआरटी में इतना डिटेल में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम करेंगे, नहीं तो एग्जामिनेशन हमसे जे एडवांस का या नीट का क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, तो टाइम पास जैसी सिचुएशन रह जाएगी, तो आप थोड़ा बढ़िया से करना, उम्मीद करता हूँ मैं ठीक ठाक समझा पा रहा हूँ आपको, फर्दर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो देखेंगे, और फिर कमिंग क्लास में बैलेंसिंग हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा वहाँ पे बैलेंसिंग के आसपास हम रहेंगे, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी को जरा सामने रखेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी क्लास 11 का पार्ट 2, एनसीईआरटी क्लास 11 का पार्ट 2 रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ है, उसको सामने रखना है तभी क्वेश्चन हो पाएगा, और बाकी कोई टॉपिक आपका छूट गया है, नहीं समझ में आया, किसी तरह की प्रॉब्लम है, उसके लिए अनुराधा जी को कॉन्टेक्ट करेंगे, अनुराधा जी आपको हेल्प कर देंगी क्लासेस वगैरह एडजस्ट करके, लेकिन थोड़ा मोड़ा पीछे का बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी फिजिकल केमिस्ट्री में आप जिंदा रहेंगे, अदरवाइज सब कुछ साफ हो जाएगा, और आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इसमें किसी बात की शर्म नहीं होनी चाहिए, सीधा बता देना चाहिए, सर इसको बता दीजिए, और मैं उसको बता दूंगा, अभी एक लड़की थी उसका नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, अभी वो थोड़ी देर पहले बता रही थी लास्ट क्लास में कि सर नहीं थे, तो हमें समझ में नहीं आया, तो अच्छी बात है, चलिए लास्ट क्लास में नहीं थे तो इस क्लास में तो जिंदा रहिए, वो लड़की भी यहाँ पर भी नहीं आया, फिर से वो शायद लेफ्ट हो गई है, तो अटेंडेंस बनाने से कोई फायदा नहीं है, आप लोग देख लेंगे बढ़िया से आए और अच्छे से पढ़ें आप लोग, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं आपके बैच के लिए, और किसी बैच के लिए और लेक्चर रिकॉर्ड चल रहा है कि जो बच्चा इसको लेक्चर रिकॉर्ड करेगा उसको देख पाए, अच्छे से समझ पाए कि कैसे ये पढ़ाते हैं, आप लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट पर और अच्छा काम करिए, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू, और कोई भी प्रॉब्लम आए 24x7 आवर्स आप मेरे को भेजेंगे, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करके देने के लिए, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।